नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये लल्लन टॉप है और लल्लन टॉप पर लल्लन टॉप के खास दोस्त आए हुए हैं अड्डेबाजी के लिए, कामयाब संजय मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाह, पद्मश्री भी लगा ही दो यार, पद्मश्री संजय मिश्रा जी। नहीं 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 एक्चुअली हालांकि जैसे नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत सारी चीज़ों पे आलोचना होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन पद्म पुरस्कारों को लेके कई जो निष्पक्ष टिप्पणीकार हैं वो कहते हैं कि इस सरकार में डिजर्विंग लोगों को खूब हचक के पद्मश्री मिल रहा है। जैसे मैं कल ही रवीश कुमार की एक फेसबुक पर पोस्ट पढ़ रहा था कि गुजरात के एक बुजुर्ग पत्रकार हैं, 100 बरस के हो जाएंगे, अरे वाह, मीठीबाई कॉलेज में टीचर रहे, रिटायर हुए और अभी भी लिखते हैं हर हफ्ते 5000 शब्द, और उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में पद्मश्री मिला। और जब कहीं उनको लगता है कि सरकार की आलोचना करनी तो खुद के करते हैं, तो पद्मश्री को लेकर भी भाईजान के लिए कामयाबी होगी वो। अच्छा ये बताइए कि बहुत सवालों की लंबी फेरे से, ऐसे आपके घर में ऐसे कोई ऐसे खांचा बना हुआ है फिर उस पर शीशा लगाओ जिसमें ऐसे ट्रॉफी रखी हो? अभी जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं नहीं, जो एक मुझे फिल्म फेयर मिला था वो मम्मी को दे आया था कि ये आपके लिए, और एक स्क्रीन अवार्ड मिला था वो दादी को दे आया था, ये आपके लिए। और बड़ा बढ़िया किस्सा हुआ था उसके साथ, दो काम करने वाले थे हमारे यहाँ, स्क्रीन अवार्ड रखा था तो ये लोग लास्ट में खाना वाना सब ठीक ठाक फ्रिज व्रिज में रख के सोते थे, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक बोला, जानते हो स्क्रीन अवार्ड देखे होंगे ना, तो कुछ ऐसे से लेडी बैठी निकला, फिर वो कट से निकले ऐसे, हाँ, कुछ ऐसा सब बैठी रहती है या ऐसे से, हाँ। और इसके बीच में ना एक वो होता है क्रिस्टल का गोल सा, दोनों शुरू हुए, हीरा का है जो पकड़ी भी है, हाँ हीरा का है भाई, पगला हीरा का कह देगा कोई, शाहरुख खान को वो अवार्ड मिलता है, घर ले को भी जाता, अमिताभ बच्चन को मिलता वो भी ले जाता, वो लोग ऐसे ही नकली ले जाएगा, हीरा है ये, तो इन्फॉर्मेशन दे के सो गए। अगला स्क्रीन अवार्ड उठाया, निकाल लिया उसको राती में, राती में निकाल लिया, हीरा कौन छोड़े दे, हाँ। अंग्रेज एक रात में लेके भाग गए कोहिनूर, और इसके सामने रात भर कोहिनूर पड़ा हुआ है, इन्हें निकाले, सुबह बहुत गाली खाया हो, काय हीरा होगा, हीरा के नाम पर तोड़ दियो उसको। तो वो स्क्रीन अवार्ड वहाँ है, अभी अभी नौबत नहीं आई है ऐसी, हाँ। मैंने सुना है नसीर भाई ने बड़ा सही किया हुआ है अवार्ड्स का। अच्छा, हर दरवाजे का जो नहीं होता खींचने वाला हत्था, हत्था, हाँ। पहले गोल होता था, ऐसे लगाता था, उसका दो काम होता था, खट 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 खट, हाँ। वो हत्थे उनके लंबे लंबे अवार्ड्स के लगाए हुए, मैंने सुना है कई लोगों से, मैं देखा नहीं हूँ। आप उनके घर नहीं गए कभी? वो उनके फार्म हाउस पे। अच्छा, होता है ना कभी कभी जब भगवान बुलाते हैं तब आदमी जाता है फार्म हाउस पे। अच्छा। नहीं नहीं, हम लोगों के भगवानी है वो, मतलब अभिनेता, अभिनेता मतलब आप जब आप एक्टिंग किताब की तरह देख रहे होते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। वो किताब जो खुली होती है सामने, नसीरुद्दीन शाह जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे, फिर वो किताब होती। किस समय यार? समय हमको ना त्रिदेव रिलीज हुआ था, ऐसे समय याद नहीं रहता, हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से समय जैसे साधु महात्मा लोग, अब वो फोटो कब खींचा था, अरे उसी दिन जिस दिन कड़ी बनी थी, ऐसे उन सबका समय का हिसाब अपना अपना होता है। तो मेरा समय था त्रिदेव रिलीज हुआ था, ओए ओए, उसके बाद नसीर भाई से हम लोग डायरेक्ट मिले, लेकिन ड्रामा स्कूल में क्या दादा एनएसडी आए हुए थे, हम लोग के क्लासेस लेने आए हुए थे, हाँ। तो नसीर भाई, हम लोग को अच्छा लगता था भाई, जिस इंस्टीट्यूट से आप निकल रहे हैं या जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ के अगर कुछ खास लोग बढ़िया खास काम कर रहे हो तो अपना अभी राह खुलता हुआ दिखता है ना, तो गर्व होता था कि गुरु, और एक चीज़ है
उस दौर में एक्टिंग के, आप सोचिए उस दौर में पैरेलल सिनेमा बोलते थे. क्या है पैरेलल सिनेमा? पैरेलल सिनेमा का हीरो कौन? नसीर भाई. वजह, अपना जैसा दिखता है, बहुत करके नहीं करता है, बड़ा अपना जैसा दिखता है, समझदार दिखता है, और जो दिखाना चाहता है वो दिखता है. नसीर भाई पैरेलल सिनेमा. और मेन स्ट्रीम सिनेमा, तू चल मैं आई, पूरे देश को एक का काम पड़ा हुआ है, प्यार करो खाली, घर बसाओ. मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है, पैर ऊपर कर लें. हाँ, तो मेन स्ट्रीम सिनेमा आज एकदम देखो उन्हीं लोगों की देन है, नसीर भाई लोगों की. उन्होंने लॉ लगाया था इस चीज का, या डायरेक्टर्स ने लॉ लगाया रखा था कि चलो भैया. और आज उन्हीं का देखो, उन्हीं लोगों का अब मेन स्ट्रीम सिनेमा वो हो गया है. तू चल प्यार व्यार वाले पिक्चर नहीं चलते अब. अरे इतने चाट लगते हैं सोचो. और अब पैरेलल सिनेमा जो है मेन स्ट्रीम हो गया. तो कहीं ना कहीं बीच भाई लोगों का ही डाला हुआ है. हमारे अंदर हैं संस्कार थोड़े थोड़े, बस उखाड़ने की जरूरत है. दब गए हैं धूल से, बहुत सारे पॉल्यूशन. ये वो कलश है जो गड़ा हुआ है. हाँ, सबके अंदर है ये संस्कार. अगर आप इंडियन हैं तो है आपके अंदर. हाँ. संस्कार जो है भारतीय संस्कार. हाँ. क्या है दादा ये भारतीय संस्कार? क्योंकि बड़ा दुनिया जान की बातें होती है संस्कारी संस्कारी. संस्कार कोई एक ऐसा चीज नहीं है कि मैं 100 तुरे पॉकेट में रख रख ले बेटा लेके जाना. नहीं, संस्कार क्या है कि आप देखते हैं आपके दादाजी छठ का पूजा, चाची पूजा कर रही हैं, जानते हो इस कमरे में कोई नहीं जाएगा. क्यों नहीं? यहाँ पे वो आज खाना खाएंगी. समझ लो. फिर सुबह के वाले अरग के लिए सब बच्चों को, वही एक पूजा सुबह वाली अरग होती है जिसमें कोई बच्चा नहा के नहीं जाता घाट पर. अच्छा, खाका किसको टाइम है, ठंडे में कौन 4 बजे उठ के नहाए? और मम्मी पापा या दादा दादी इन लोग भी नहीं घुसते इस एपिसोड में कि इसको नहवाएगा कौन होगा. समझे, बहुत बड़ा रायता है ना. वो है, वो गोल घर है संस्कार. जो आपने देखा कि आपके पीछे कुछ लोग ऐसा बना के गए, बहुत पुराना बना है. अच्छा, ये है संस्कार. संस्कार में और क्या है कि हर श्रृंगार के फूल से काजल बनता है. अच्छा, हर श्रृंगार का एक फूल होता है जो अक्टूबर वगैरह के महीने में आता है, ऊपर सफ़ेद होता है, नीचे पिंक होता है. सुबह सुबह अगर ध्यान दोगे, दौड़ाओगे अपना विजुअल पिछले कहीं का, तो सड़कों पे गिरे रहते हैं, बहुत खूबसूरत फूल होता है. संस्कार मुझे लगता है वो है, उस चीज़ को हमको उठा के लाना है कि एक अदलो ये है. मुझे लगता है संस्कार, संस्कार आपका साहित्य है, संस्कार आपका संगीत है. आपको मालूम है हमारे यहाँ सुबह जो है ना सारे गम, मतलब ऐसे स्वर लगाए जाते हैं सुबह ही नहीं, जैसे आप लोग क्या होता है सुबह 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 एकदम सारे मुँह भूल गए सावरिया. आप सोचिए उस चीज को विजुअल बनाइए. काक भिदुड़ी ने, भदुड़ी ने या भसुड़ी ने, कुछ नाम है मैं भी भूल रहा हूँ यार, हर चीज याद रखना. हाँ. आपको हक नहीं है आपका. घोड़े को धोने पर श्लोक लिखे हुए. कौवा किस साइड मुंह करके बोल रहा है और उसका असर क्या होने वाला है कि बारिश आने वाली. इस चीज तो ये संस्कार है जो हम वेदर फॉरकास्ट पे चले गए. समझे, उस चीजों को हमारे खाने संस्कार है यार. हम चाइनीज खाए बैठे, हम अमेरिकन खाने लग गए बर्गर. और एक वो मैदा वाला क्या होता है, डोनट. डोनट्स. हाँ. हमें वो पसंद आने लग गया क्योंकि उसको टिश्यू पेपर से पोंछ सकते हैं आप. बढ़िया है, भात दाल खा करके
साउथ इंडियन खाना खा करके टिश्यू पेपर से पोंछ सकते हो, आधा खर्चा उसी में लग जाएगा यार। वो लगता भी नहीं रहा मलाई टाइप का, ऐसे पोंछ पाए तो ढंग से हाथ धो लोटा से। हाँ, ये खा करके आप ऐसे कर सकते हो। तो ये सब मैं समझता हूँ संस्कार। अब जितना भी कोई ऐसा बहुत किताब उताब नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इन चीजों को अपने अंदर जिंदा रखना है। आपका बचपना, आपका शिकार संस्कार, इन चीजों को अपने अंदर जिंदा रखना है, क्योंकि एक ही मोनोटोनस सी लाइफ है। तुम अपने पापा का लाइफ देखो और तुम बताओ हमको कि तुम उन्हीं के रास्ते पे नहीं जा रहे हो कि नहीं। डेस्टिनी तो लिखी हुई है ना भैया, कि 2 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, 14 के हो गए, 24 के हो गए, 25 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, वाह 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 वाह, 80 के हो गए, 90। तो उस रास्ते में कुछ कुछ चीज़ों को ऐसे बटोरते हुए चलो, अच्छा लगता है। मैं ऐसा सोचता हूँ संस्कार चीज़ें। ये इस संस्कार का एक छोर, बल्कि पहला छोर दादी तक पहुंचता है। दादी संस्कार है हमारी। क्या गाती थी दादी? दादी रेडियो में गाती थी, पटना रेडियो। हाँ, गाने कलाकार। हमारे यहाँ दादी बड़ी खूबसूरत थी, और जब और दादा एकदम लगका काठी टाइप, मतलब स्मार्ट थे वो भी, लेकिन जो हम लोग क्या नहीं होते गोरे रंग पे ना, तो दादी गोरे रंग पे ना इतना, और दादा हम काले हैं तो क्या हुआ दिल, ये गाना हमारे यहाँ पहले दिन से लग गया था उनकी शादी होते ही। और दादा की 8-9 बहनें थी। अच्छा। और अकेले दादा। उनके पिता का देहांत पहले हो गया, सब कुछ हो गया, और सब कुछ इन पर आ गया, और बड़ा अच्छा। सब फुआ लोगों के नामों अलग अलग, भागो फुआ तो बोल के देख, भागो फुआ, बड़की फुआ ये चलेगा, मोटकी फुआ, अलगे अलगे फुआ। एक जो बड़की फुआ थे, और मेरी पापा की बुआओं में ना, बुआ दादी में एक बड़ा अजीब सा था कि किसी के पति ज्यादा दिन जिए ही नहीं, तो सब लोग भाई के पास, दादा के पास। तो एक बड़ा खूबसूरत परिवार था। बंगला भी बड़ा मिलता होगा सरकारी अधिकारी थे? नहीं नहीं नहीं, सरकारी तो पहले थे। हम लोग जब पैदा हुए तो एक राजेंद्र नगर 6 नंबर रोड, एक आम का पेड़ लगाया गया 6 अक्टूबर को, जिस दिन हमारी पैदाइश की, लो बेटा संजय के नाम पर अभी कटा है वो जाके, उसमें कुछ कीड़ा उड़ा लग गया था, वो आम का पेड़ लग जाए, इतना आम बढ़िया मेरे ही जन्म से लगाया गया था वो। हाँ, क्या दीमक वीमक लग गई है उसमें? पता नहीं कुछ दीमक उमक ऐसा चाचा जी ने बताया तो कि उसको हटाना पड़ा, बहुत दिक्कत हो जाती है अब। और इसका बड़ा देसी इलाज भी है, लेकिन किस चीज का? आम में कीड़ा वीड़ा लगा तो उसके घेरे में थोड़ा सा गोबर और सरसों का तेल वेल डाल के, हमारी दादी बताई थी वो भी इलाज। मतलब पुराना से पुराना पेड़ फिर जी उठता है? जिया है इस सीजन में। अब की आप जब मई जून में आओगे तो हम आपको अपने आम का खिलवाएंगे। अरे वाह यार, कौन तो सा आम, ये लंगड़ा वगैरह? बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल खत्म हो गया था नीचे से पूरा, पर वो हमारी पत्नी की दादी रहती कहाँ थी? पत्नी की दादी रोहतक में रहती थी। अच्छा। तो पिताजी ने पूछा कि माँ वो तो जा रहा है, ये ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, तो उनने बताया इतनी खली डालो, इतना तेल डालो, ऐसे घेरा बना के, और बाकी चीजें उनने किया साल भर, और वो हरा आ गया। शायद हमारे चाचा जी लोग या हमारी फैमिली पटना राजेंद्र नगर 6 में इतना बड़ा नहीं सोच पाए, हो सकता हो नहीं, फिर वही वो संस्कार और वो संस्कार वो हाँ। मिस हो गया वो कहीं, हाँ। किसानपन, क्योंकि सब पढ़ने लग गए ना। बड़का बउआ के आर्ट में रुचि है, ओकर बाद वाला अरुण बउआ के मेडिकल में रुचि है, और छोटका दोनों कुछ संभाल ही लेगा। तो एक स्टील प्लांट बोकारो में थे, उनके यहाँ भी पढ़ने गए थे हम, बोकारो भी भेजा गया था हमको। नहीं गए तो आप बहुत जगह हैं, बहुत घूम घूम के पढ़े हैं, घूम घूम के पढ़े। दादी दादी हाँ, तो का दादी जो है रेडियो में गाती थी, विद्यापति वगैरह घर पे भी गाती थी, घर पे रिहर्सल होता था ना। क्या गाती थी? विद्यापति गाने गाती थी। अब धुन याद है हमको, अब शब्द पूछोगे तो ललन, ये तो मिर्जापुर है, अभी अभी याद आएगा दादी। ये फोक है शायद,
जगदम्बा घर में दिया राम बार अली हो जग पारन घर में दिया राम। संजय रुक जाओ देखो कौन आया है। तबलची ऐसा था कि उसको रख दो तबला फिर जाके देखो कौन आया, क्योंकि संजय और किसी कामे के नहीं थे। बड़ा हमारे यहाँ जैसे होता है कि मीट कौन लाएगा, हाँ तो वो अरुण चाचा, उनको क्या पहचान अच्छी थी। हाँ हमारे पापा को कह दो तो घंटा ला ही नहीं सकते कुछ न, दोनों तीनों चार कोई नहीं, अरुण चाचा का काम स्कूटर उठा के आओ बैठो संजय। ये भी हुनर है, है? हाँ मीट, अरे हाँ हाँ कैसे कटो कुछ नुस्खे। हाँ कैसे यार नुस्खे तो वैसे वाला मेरा बिजनेस नहीं है कि नहीं नहीं, आप वो खरीदने के लिहाज से, ग्राहक के लिहाज से, ग्राहक के लिहाज से मुझे बेस्ट पोर्शन लगता है क्या बोलते हैं रिब, रिब को हिंदी में कुछ बोलते हैं अभी, पसली वाला, पसली हाँ पसलियाँ दे देना वो एक, जिनको कुछ लोग होते हैं जिनको हड्डी बाजी पसंद है। हाँ समझे, वो मटन सिर्फ इसलिए खाते हैं हड्डी बाजी, लगता है सारा मज्जा का रस चूस लेंगे। अच्छा ये तो मेरा बेटा मालूम डेढ़ डेढ़ किलो मटन खा जाता है भाई। हाँ हाँ ऐसे तो बताते हैं शेखी। हाँ, दिखाओ डॉक्टर को। स्टेशन जाएंगे दोनों छोटे अनिल चाचा या राजू चाचा। अच्छा चलो संजय। हाँ है ना, तो ये मतलब कैबिनेट पूरी बटी हुई थी है। हाँ हाँ बड़े फैमिली में यही तो होता है, जो अब हम मिस करते हैं ये भी एक संस्कार है कि आपको कोई भी चाचा, अगर मेरे बच्चे अभी यहाँ हैं और मेरा कोई अमित भाई जो है सबसे छोटा वाला आकर के मेरी बेटी को मारेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन सब एक साथ रहते हैं, कोनो चाचा किसी को भी लपड़ा हो जाती है तैर वाले समझे। दादी जो है गुनगुनाती रहती थी और सारी बुआ जो है कोरस, धीरे धीरे शादी हो गई तो शादी में दहेज में पान पराग से कीजिएगा वो सब जो कहिएगा कर देंगे, लेकिन महीना में चार बार इनकी माँ गाना गाती हैं इनको आना पड़ेगा कोरस के लिए, कोरस के लिए। तो सबको पटना के आसपास ही विदा किया क्या? एक लखनऊ में थी। हाँ। दोनों लखनऊ में थी, कभी कभी इंदू दीदी रांची में होती थी, फिर आस ही पास मतलब ट्रेन अपना, अरे इंदू दीदी आ रहे हैं चलो संजय। बड़ा मजेदार माहौल था यार। हाँ सुन के अच्छा लग रहा, सुन के अच्छा लग रहा। और मोटा चावल बनता था, उसना चावल हम लोग कहते हैं। हाँ। लेकिन जिस दिन कोई मेहमान आया ना बासमती का महक जो है एकदम गमकता था। तब इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी बासमती की, आज तो कोई भी चावल मतलब आप बना लेते हैं, बासमती का था कटहल बन रहा है। मंगलवार को नहीं बनता था हमारे यहाँ नॉनवेज। अच्छा नॉनवेज में भी ना सिर्फ मटन और मछली, नो अंडा नो चिकन। अच्छा क्यों, वो नॉनवेज है वो मतलब वो वाला नॉनवेज है। हाँ मीट और मछली, तो मछली तो वैसे भी पानी का मखाना होता है, मखाना होता है, कई घरों में बड़ी शुभ मानी जाती है मछली, हम लोग की जिंदगी से मछली बड़ी रही। हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ना उसमें मछली है, बोलते भी है दही मछली, दही मछली। तो पूरा घर जो था ना एक, अब होता क्या था कि भैया सुबह तो कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है, सब करना, खाना वाना खिला के 3:30-4 बजे थोड़ा थोड़ा दादी झपकी वपकी लेनी, फिर वो पूजा वाले घर में गाना शुरू हो जाता था। तो जब गाना शुरू होता था जो चाचा होते वो भी आ जाते थे, कुछ लोगों को तो चाचाओं को आदत ही पड़ गई थी तो अम्मा का रोज का है, अम्मा बोलते थे हम लोगों को। अरे एक बड़ा बढ़िया टोन था, हमको कोई तंग करता मैं सबसे बड़ा पोता और अपनी दादी का लाडला मतलब। हाँ। कभी कभी बारात उरात में जाते ना शादी वादी में। हाँ। तो दादी अपना अंदर गा दीजिए ना कुछ गा दीजिए, तो शादी वादी के गाना उना गाती रहती थी शादी में, और दादा एकदम हम काले हैं तो क्या हुआ अपनी ही गाड़ी के पीछे दिल वाले हैं, और मैं वहाँ से चम्मच खुद आ रहा हूँ, नहीं दादा सिगरेट पी रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, दो चम्मच था दिखाओ अच्छा रख दो गाड़ी में समझे। किसी को बोलना मत हम सिगरेट पी रहे थे। हाँ, हाँ। दादा को सिगरेट पीते हुए हम ही पकड़ते थे, वो भी चोरी कर रहे हैं हम भी चोरी कर रहे हैं, दो चम्मच चुरा लाए
समझे, कुछ और ले आते हैं, एक गिलास ले आते हैं, बड़े ढक्कन टन 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 टन, और पापा जी को पता चलता था तो बहुत कान के नीचे थे, ये क्या तरीका है, तुमको कोई अपने दावत पे बुलाया तुम उसका गिलास चुरा के ले आ रहे हो, और कुछ करना मत लाइफ में तुम। फिर हम दादा को देख लेते थे कि अब आपका भी खोल दूंगा भेद, तुरंत बात पलटिया, हाँ गाड़ी में पेट्रोल भरल था, हाँ ठीक है, बात चेंज हो गया। तो इस तरह के फैमिली में ह्यूमर उमर जो है ना, हमको सिखाओ मत, हम जो सीखना चाहते हैं हम सीख लेंगे। ये तुम मेरे चाचा जी को ना, अरुण चाचा को अगर पेशेंट से बात करते हुए देख लोगे ना, हंस हंस के मर जाओगे, हंस हंस के मर जाओगे। पेशेंट डॉक्टर का ये रिलेशन है। कैसा है? मतलब पेशेंट के साथ कुछ लोग नहीं आ जाते, क्या हुआ जी? अच्छा, वो एक आदमी ऐसे हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छी कमाई, डॉक्टर हैं तो कमाई, लेकिन जो उनका क्लिनिक आज भी वैसा ही है जो हम संभालते थे। अच्छा। हाँ, हम उनके साथ भी रहे हुए महुआ में, जो हम संभालते थे वैसे ही क्लिनिक आज भी, अभी हम गए थे 2 महीने पहले, बैठे रहेंगे कुर्सी पर, अब तुमको लेके कोई आया है, तुम बीमार हो तो क्या हुआ है, तो तुम नहीं बोल रहे हो, बगल में जो लेके आए रास्ते में, बाप रे बाप, कभी कुआं पर कभी पैखाना में, कभी पैखाना में तो कहीं, अरे तू काला कुछ चहो, तू ना बीमार चहो ना, हम तो हंसू ना मारा, ठीक तो मुझे बीमारी को और बीमार बना रहा है गधा कहीं का। अच्छा, वही हौंक देते थे? हौंक भी देते थे, पढ़ो यहाँ से तुम, समझे? क्या खाते रात में? 4 गो लिट्टी, 2 गो औरों खा लेते, गला गएगा, इस तरह की बातें ना। हाँ, तो वो भी एक ह्यूमर आ रहा है आपके पास, इधर पिताजी के पास दूसरा ही चीज, लिखना पढ़ना, उनकी राइटिंग। हमारे यहाँ कोई भी शादी या जनेऊ या कोई भी मुंडन हो, पापा जी अपने हाथ से ही उनका लिखा हुआ कार्ड छपता है, उनका लिखा हुआ, ये नहीं कि प्रिंटिंग वाला लिखा हुआ, सुलेख था, सुंदर सुंदर लिखते थे। तो वो अलग ही गाँव, छोटे चाचा में जो सबसे छोटे चाचा थे मुझसे 5-6 साल बड़े थे, तो वो अलग गांव। तो तरह तरह के गांव को मिला करके एक छोटा सा मेट्रो बना। अच्छा, ये बताइए, पापा को दहेज में सितार मिला था? सितार मिला था। आज उसकी कीमत कम से कम 35-40 हज़ार है, और मेरे उम्र से 1 साल बड़ी। क्या ऐसे दादी को ध्यान में रख के दे दिया था ननिहाल? ये लोग मंदिर में मिले थे। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी गाती बड़ा बढ़िया थी, दादी भी बढ़िया गाती और मम्मी भी। ये मम्मी को लगता था, दादी को नहीं, समझे? तो गाती थी, बड़ी खूबसूरत है मेरी मम्मी, बहुत खूबसूरत। तो और पिताजी भी मतलब तुमरे ही टाइप, एकदम इंटरव्यू। अच्छा। इंटरव्यू लेने वाले, पढ़ने लिखने वाले। फणीश्वर नाथ रेणु के साथ आते थे वो, रेणु जी शंभू, अगर तुमको थोड़ा पटना का कुछ आइडिया होगा ना, तो रेणु जी लोग को भी चेले चाहिए होते ना, तो चेला कौन? हमारी तरफ उनको चिंटू बोलते हैं। चिंटू सबको, दो चार चिंटू चाहिए। तो शंभू जो है आकाशवाणी में है, रेडियो स्टेशन पटना में, तो सब आसे पास है, डाक बंगला उधर उधर, तो 6-7 बजे शंभू। और पटना में एक जो रिक्शा होता है ना, उसको ऐसे हटा लोगे तो नीचे स्टोरेज भी है, समझे? उसमें उनका अपना क्वार्टर पड़ा रहे, और खूब सिगरेट पीते थे। और मेरी दादी जो चिड़ी लमका, उनके बाल लंबे थे। हाँ। तो मेरी दादी के वो लमका बाल वाला ना शंभुआ खराब कर देते। दादी बहुत बड़ी अलग थी यार, पान पान, एक मेरे लक्खी दा थे, लक्खी दादी, लक्खी दा। हाँ। बंगाली में लक्ष्मी, लक्खी दा। हाँ। बंगाली आदमी, बहुत बढ़िया कुक। और शत्रुघ्न सिन्हा हिट हुआ था, वो भी मार शत्रुघ्न सिन्हा की तरह बाल वाल लगते थे, वैसे ही मूछ काला, पान मुंह में पटनिया टाइप। और मेरे ठीक राजेंद्र पब्लिक स्कूल के नीचे ही उनका पान का दुकान था। टीचर तुम पढ़ाते रहो, तुम्हारी बला से मेरी नज़र लक्की दा पर, ऐसे ऐसे करके पान लगाते थे वो, ठीक। और पॉपुलर पान वाले, ये नहीं कि कभी कोई बस रुकेगी कोई आके खाएगा, पॉपुलर पान वाले हाथ दे रहे हैं काली पत्ती तक पर, और बाल काला शत्रुघ्न सिन्हा की तरह। और पापा जी शत्रुघ्न सिन्हा से मिलवा के भी लाए थे लक्की दा को,
लक्की दा तुम्हारा इंटरव्यू आएगा उसके पहले नहीं, हम लोगों को हम फोटो डालेंगे, हम इतने बड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, हम डालेंगे तुम्हारे इंटरव्यू में। हाँ। तो मार्ग लगा शत्रुघ्न सिन्हा साक्षात बैठ के पान लगा रहा है समझे। एक दिन हम क्लास छोड़ के लक्कीदा और मेरे यहाँ खाना बनाते थे आ करके, जब शादी वादी होता था। अच्छा। मेन को पहले पटना पर कलकत्ता का बहुत हावी था, कलकत्ता। हाँ। भिखारी ठाकुर सैया गई लें कलकत्ता हो सजनी कोई, सैया गई लें दिल्ली, सैया गई लें चंडीगढ़, सब कुछ कलकत्ता। तो कलकत्ता का फूड जो था ना शादियों में बहुत हावी था, एक आए हाय चने की दाल बताऊंगा बेटा बना के देखना वो। हाँ। कमाल, उसको कुछ बोलते हैं चनो वनो कुछ बोलते हैं, और पूरी और चनो तो लक्की दा से कहे दादा हमको दो मिनट हम भी पान लगा लें, अब अंधा क्या चाहे दो आँख, हाँ लगाओ लगाओ, तब तक उधर चले गए सुसु करने, हम अपना मेरा कोई लगाए पान खा नहीं रहता, लेकिन किस्मत देखिए गाड़ी से दादी वहाँ से गुजरी, चला नाश्ता उस्ता करके गया था घर से यहाँ। और जैसे कोई गलत टीचर दिखा ना, डरावना टीचर, मैं शुशु पैंट में वही वही आंखों देखी वाला, शेर को देखते ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे इस आदमी के सामने रहना ही नहीं है, तुरंत धार छोड़ देते, धार छोड़ दिए पीछे से भी कभी के टीचर क्या बदल। और उस पूरे रोड पर राजेंद्र नगर वाले रोड पे कम से कम अपने एजुकेशन करियर में 70-80 बार तो हम नंगे गए ही होंगे, एक हाथ में बक्सा इतने बड़े पकड़े पकड़े समझे, और कोई चाची देख लीजिए फिर से आ गया तो भागो फुआ का काम होता था, वो ले जाती थी सब, काहे से कर देते हो तुम, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो आप देखो। मैं घर आ गया 10 बजे, यही बात सही है, 8 बजे गए थे 10 बजे आ गए, तो दादी देख ली लक्की दा क्या पान लगाते वो गुरु। कितने साल के थे? वही शत्रुघ्न सिन्हा वाली फोटो वाली, 7-8 साल। पिक्चर रिलीज हुई थी मदन मोहन के डाकू, हीरा डाकू, हीरा डाकू, शत्रुघ्न सिन्हा उसमें रहते हैं, कमर झुका के बाद कुंदन पिक्चर थी, कुंदन डाक मोड़ा रतन डाक, कुंदन पिक्चर थी शायद, वो रिलीज हुई थी। वो देखी थी वो फिल्म आपने? नहीं, उतना जो घर वाले देखने जाते थे ना उन्हीं के साथ जाना पड़ता था, तो उन लोग को बॉबी ये सब पिक्चरें पसंद। अच्छा, पोलका डॉट वाला ब्लाउज। हाँ, सब महिलाएं भी जाती थी ना, और एक बद्री बाबू थे। क्या बोलते थे मैथिली में बोलते थे। हाँ। और वही हमारा सिनेमा का सबका टिकट अरेंज कराते थे, और स्टेशन पर महावीर मंदिर से अपना सबको लड्डू, वहाँ का बहुत सही होता, थोड़ा 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 लड्डू भी सही होता है। हाँ, और देते 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 आगे अपने घर निकल जाते थे, लेकिन आए बद्री बाबू कल हो जाते ना, मैं बोल दिए हो जाते बॉबी के टिकट ना 12 गो। हाँ, कुछ लोग रिक्शा से, कुछ लोग गाड़ी से, पूरा बॉबी पिक्चर बिना सिनेमा में। एक गाना था बिना सिनेमा का कुछ, हम उसको लास्ट तक उसको वीना ही सिनेमा समझते रहे, कि राज कपूर गाना है उसका, न तेरा है ए भाई जरा देख के चलो, उसमें एक लाइन है वीना सिनेमा तेरा है, ऐसा कुछ था लाइन, तो हम आज बहुत दिन तक समझते रहे कि राज कपूर ने वीना सिनेमा के बारे में ही लिखा है। भयानक ट्रिब्यूट दे दिया पटना के टॉकीज को। हाँ, बिना सिनेमा है शायद अभी उसमें लगती तो है। दादी गुजर रही थी तो दादी ने 4 दिन बाद रिकॉर्डिंग दुकान, अब लगती धक्का इधर से उधर हो गया, तुरंत दादा उदा कह के कि कैसे स्कूल के सामने नीचे पान का दुकान, लड़का पान नहीं लगाएगा तो क्या करेगा, मुझे नहीं डांट पड़ी। लक्की दा कह रहे थे अम्मा देखिए छोड़ दीजिए ना, वो बड़ा लक्की जगह है मेरे लिए, हम वहीं पर नाक में उंगली डाले देखें अब क्या होगा गेम, मेरी वजह से हुआ था ना, तो उन्होंने वो चेंज करवा दिया, दुकान ही उसका आज भी उधर ही है शायद उसी। अच्छा। से हाँ, मेरी वजह से अट्रैक्शन अलग था, जिंदगी का अट्रैक्शन जो था, अट्रैक्शन बोले तो
समझ रहे हो कि नहीं, वो ही एकदम अलग दिशा में था। पिक्चर चल रही थी, पिक्चर चल रही थी, एक हेड़ा खान बाबा हुआ करते थे। अच्छा, हेड़ा खान काफी अब नहीं है, वो घर आते थे कभी कभी, 5 साल में 6 साल में, तो वो मुझे बहुत ढूंढते रहते थे। अब्दुल अलीम जाफर खां घर आए थे, सितारिस्ट, मुझे बड़ा प्यार करते थे। उनको हमने कहा आप लोग जो बजाते हैं ना बेकार, देख शंभू क्या बोल रहा है ये, हाँ स्टीरियो समझते हैं, स्टीरियो उसी समय हम वही सोच रहे थे, साउंड का जो मेरा चक्कर है स्टीरियो समझते हैं, दो स्पीकर वाला एक टेप रिकॉर्डर लगा के, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, आप यहाँ पकड़ के सुनिए अंकल अलीम जाफर, हाँ शंभू हाँ, बड़े अच्छा अच्छा गाना था मतलब, लेकिन कद्र नहीं मालूम था हलीम जाफर का। लेकिन हलीम जाफर से हमारे यहाँ ऐसे लोगों का बड़ा स्वागत था, कलाकार, हम बहुत सारे फोटो है कि नाजिर हुसैन आए हुए जन्म पर, बहुत 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 से ऐसे ऐसे फोटोग्राफ, नासिर हुसैन होते थे, अरे आज तुम जिंदा होती, वो भी एक किस्म के बाप थे, कैरेक्टर एक्टर, हाँ है ना। दादी दादा रिलेशन हर ये सब, ये फूल पत्तों ये सब संस्कार वहीं से आए, जो फैमिली देती है आपको। तो मैं भी चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को कुछ बढ़ा दूँ आगे, यार सबको करना चाहिए, तभी तो आप। तो ये दोनों बिटिया रानी खूब उधम मचाती हैं पटना जाके जाती हैं। पटना में हाँ बहुत बहुत, अभी इस उम्र की है ना, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा पता नहीं क्या, भाव ही नहीं देते यार कुछ, मतलब क्या बोलूं। और बच्चियां है ना जाओगे कान के नीचे, मतलब ऐसे हैं दोनों, आपसे ही लड़ते रहते हैं, उद्यमी उद्यमी और मोबाइल चोर, अंकल तक नहीं पहुँचे हैं कि अंकल आए तो उनका लेके चल दिए, मोबाइल चोर और बहुत कुछ उनको मालूम है। कल मैं था, कल एक दिन था, मैंने किरण वाई से कहा जरा बुक माई शो में जरा देखो तो जरा क्या चल रहा है, बुकिंग कैसे चल रही है कामयाब की, कामयाब की। तो कल पहला दिन था ना, तो थोड़ा धीरे धीरे जाता, और पापा मम्मी से क्यों कह रहे हो, मैं देख देती हूँ ना, कौन बोली पल की लम्हा, पल पल हम गए, मुझे भी सीखना ही पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं करना पापा, ये देखो कौन से सिटी में आपको देखना है फिल्म सबसे पहले, कितनी बड़ी है पल, पल अभी 5th में गई है। अच्छा हाँ, 4th से 5th में जाएगी, बस बस एग्जाम कर रही है 4th का, पढ़ने में उतना सही नहीं है क्योंकि वो थोड़ा गायब हो जाती है उसको, इतना सही नहीं मतलब, संजय मिश्रा जैसे हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए 10वीं में, कभी टोका भी नहीं उसको, हाँ कभी मतलब नहीं टोका, ऐसे पैमाना रहता ना कितनी सही नहीं है मतलब, भगवान ना करे मेरे जितना सही ना हो, समझदार है, स्मार्ट है, हाँ। लेकिन जहाँ बात होती है ना कि अब देखो जी पल का रिजल्ट, अब धीरे धीरे ये प्लस लाई थी 1st में थी, अब धीरे धीरे FMF पे आने लग गया है, हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मुझे उस पर प्रेशर ही नहीं देना है, उसको जो समझ में आएगा वो पढ़ेगी, वो अभी ऐसे करने लग गई है, पापा सामने मिरर है और तुम पापा हो, पापा एक बात कहूँ, आपके बर्थडे पे ना मैं आपको एक फ़ोन दूँगी, क्या बोल रही हूँ पापा, मैं आपको एक फ़ोन दूँगी, उसका ये ट्रिप है, उस ट्रिप में मैं खलल नहीं डालना चाहता हूँ, छोटकी ठीक है थोड़ा, हाँ छोटे बच्चे ज़्यादा लाडले हो जाते हैं ना, जैसे हम लोग को कभी कोई प्यार नहीं मिला, जो मिला गुड्डू को मिला, हाँ हाँ गुड्डू लड़का है, वाह वाह, नहीं नहीं आप बड़े हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, मैं छोटा हूँ अपने घर में, मेरी उल्टी थ्योरी है, क्या जितना प्यार जितनी थाली बजनी है जितने लड्डू बटने वो सब बड़े के में हो जाते हैं, तुम्हारे आते आते खत्म हो जाते, नहीं ये हमारी लड़ाई रहेगी छोटे बेटे, नहीं भाई साहब देखो ऐसा है, पुरानी साइकिल हमें मिलेगी, आपका पजामा छोटा होगा जीन्स छोटी होगी वो हमें मिलेगी, संस्कार के नाम पे आपने जो गंदी कर दी है किताबें गोद दी हैं वो हमको मिलेंगी, तो हमको तो सब उतना नहीं मिल रही है ना, लेकिन जब तुम सो रहे होते तो मुझे कहा जाता है चुप रहो,
सौरभ सो रहा है, समझे? तुम जब सो खा रहे हो तो रुको ना, दे रहे ना, तुम ठीक से खाओ, गिराना मत। सिबलिंग जेलसी। हाँ, तुमको कहीं जाना हो तो जरा तुम रहोगे साथ में, ठीक है? कहीं इधर उधर मत छोड़ना। मेरी माँ बताती हैं कि भैया मुझसे 2 साल बड़ा है, तो मैं ऐसे 3-4 महीने का, तो भैया 2.5 साल का। तो माँ ऐसे एक करवट पे मुझे लिटाए और नीचे भैया को लिटाए, एक ही करवट पे, खाट पे, और मैं 3-4 महीने तो मैं पाँव चलाऊँ ऐसे थोड़े थोड़े, और भैया तो ऐसे बड़े, और भैया बड़ा सुंदर सा, सलोना सा। कितनी उम्र हो गई होगी भैया? आप होंगे 39 के। नहीं नहीं, उस तब तब 2.5 साल के थे, 2.5 साल, दो साल का फर्क है, हम 3-4 महीने के, तो वो 2 साल 4 महीने के। और बड़े बड़े आंसू गिराए काजल वाली आंखों से, और बोले मम्मी भैया मारत है। हाँ, रोन दिए तुम। और मम्मी कहेंगे अरे बेटा वो छोटा है, उसको नहीं पता है कुछ। और मम्मी मेरी इतनी शातिर कि जैसे पापा आए तो लेट हो जाए कॉलेज में, फिर नेतागिरी में सब में लगे हैं, गांव आ रहे हैं शाम को, तो अब इनको कभी कभी डर लगे, बड़ा सा घर, बाबा हैं नहीं हैं, नौकर सब बाहर हैं, तो वो लड्डू बना के रख लेती थी, और ऐसे भैया को कि ये लड्डू खाता रहेगा घंटा डेढ़ घंटा कुतर कुतर के। हाँ। और जगता रहेगा तो हमें लगेगा अच्छा ये जग रहा है अभी, तो मन लगा रहेगा। तो भैया को ये लगता है कि हम पाँव चला के मारते थे, और हमारी ये दिक्कत है कि हमें कभी फर्स्ट हैंड साइकिल नहीं मिली। वो अब थोड़ी तो हर ग्राउंड फ्लोर में रहने वालों का कुछ अलग मजा है, 12th फ्लोर पर रहने वालों का कुछ अलग मजा है। हाँ। समझे? वो तो, और ये शिकायतें बड़ी प्यारी शिकायतें। हाँ। है ना, कि छोटे वाले को साइकिल तो फलना तो चिलना, इसी चीज़ों से तो बनता है इंसान यार। अच्छा एक बात बताइए, जैसे घर की बात कर रहे हैं पिताजी की, और ये बात पूरी शुरू हुई थी सितार से। सितार, तो सितार आया, फिर सितार माता जी के रियाज के लिए आया था कि दादी को ध्यान में रख के? पापा जी भी गाते थे, बजा लेते थे थोड़ा बहुत, मतलब जैसे होता नहीं है कि मेरे एक चाचा है माउथारगन में जाते हैं, अब उम्र हो गई है, लेकिन जिस भी शादी में जाते हैं कहीं भी जाते हैं माउथारगन अपना बक्सा में रख लेते हैं, लेकिन अब माउथारगन में जाने के लिए थोड़ा हाँ फेफड़ा और दम चाहिए वो वाला बम बम बम, तो सब तो पापा जी का सितार का था, सितार घर में था जब से हम देखते गए, आज भी वो सितार मेरे पास पड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक बार मतलब एक फादर की चीज़ आप लेके आ रहे हैं अपने साथ साथ, और बजता है बहुत बढ़िया, उसका हमेशा हर 6 महीने पर सब कुछ होता है। एक और सितार है मेरे पास जो मेरे दोस्त ने अपनी माँ की दी है, वो 70 साल पुरानी है। अच्छा दादा, हम लोग पता नहीं क्यों मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जो खुशियां हैं ना, वो खुशियां हैं वो बड़ी रंग रोगन की तरह होती हैं, लेकिन कई दफ़ा जो बड़ी बड़ी ईंट हमारे जीवन में लगती है वो 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 खुशियों के इर्द गिर्द जो बड़े से दुख आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कई दुख बहुत बड़े से होते होंगे, मतलब अगर दुखों का वज़न तोले तो ऐसे बुलडोज़र टाइप की होते होंगे एकदम वजनी से। हम लोग इतना भाई बहन की सबकी बात कर रहे हैं, दुख में आदमी अकेला हो जाता है बहुत ज़्यादा, सुख में अरे भैया लड्डू है, दुख में ना सन्नाटा पकड़ लेता है। आपके एक छोटे भाई थे, मतलब ये सबसे वजनी थे होता है जब छोटे के साथ लगाना पड़ता है, बहुत सुमित हमसे हमेशा बड़ा ही रहा, वो हमसे हमेशा बड़ा ही रहा, इसलिए मैंने उसके बड़े बेटे का नाम प्रथम रखा था, मुझसे जो उसका जो बड़ा बेटा था, मैंने कहा कि जीवन भर गुड्डू मुझसे छोटा रहा लेकिन इसके बेटे का नाम मैं प्रथम रखना चाहता हूँ पापा जी, क्योंकि गुड्डू बड़ा रहा। गुड्डू हम सब, गुड्डू को दादा दादा लोग बोलते हैं, बंगाली में नहीं बोलते कि दादा भाई, दादा पूरे फैमिली के लिए ना सबसे पहले काम पे वही लगा गुड्डू, घर का दूध लाना हो या किसी को कुछ करना हो, गुड्डू पढ़ने में भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, उसकी नौकरी लग गई थी काफ़ी, उसमें उसको 800 रुपये महीने की नौकरी मिली थी, तो साल भर तक तो बस वस से जाता था, और गोल मार्केट के करीब ही उनका ऑफिस था योगधारा वालों का, फिर एक स्कूटर खरीदा, आओ भैया बैठो,
स्कूटर में हम एकदम नील बटे सन्नाटा, तो छोटा भाई अब बड़ा होने लग गया था, पैसे आते थे, कदकाठी लंबी थी उसकी, हमसे लंबा था वो। और बचपन में तो जॉन मारपीट पूछो हर बात पे, गुड्डू से खूब लड़ाई मेरी हमेशा, फिर सब कुछ यही बटोर के ले जाता है, मतलब सारी खुशी गुड्डू नहीं आया, गुड्डू अरे इसको कहाँ से ले आई हुई, क्या करेगा समझे, अपना ऐसा गेम। कमाई उसकी शुरू हुई जब से, जो भी पैसा आता था 50% मम्मी पापा, उसके बाद जो बचता था महीने का पेट्रोल, और उसके बाद से भैया, और फिर छोटी बहन को भी देता था, मीनल को और अमित को, सोनू को भी देता था, लेकिन दादा गुड्डू शराब खा गई यार उसको, हम बहुत बोलते थे कि लोग एक टाइम पे तुमसे तुम्हारे काम से जानते हैं गुड्डू, गली वाले क्या बोलेंगे, देखो ये वो लड़का मर गया, देख रहे उस शराबी का घर जो मर गया, ऐसा हो जाएगा, सुनता रहता था चुपचाप। और जो आपके सामने एक खूबसूरत था, लंबा चौड़ा, अरे अमिताभ बच्चन से एक तो हल्का सा एक तरफ कंधा ढका हुआ, हाँ वो अमिताभ बच्चन का तो महान फैन भाई साहब, मतलब अमिताभ बच्चन जो वो वाला दौर था ना, खुद्दार और ये, उसके कमरे में खाली अमिताभ बच्चन का पोस्टर खाली, और दादा हर कमरे में अगरबत्ती दिखाएं, उस वाले कमरे में आते अगरबत्ती, उनको भी पसंद अमिताभ बच्चन, लेकिन अगरबत्ती ना दिखाएं मतलब, तो अगरबत्ती इधर रहे, बाकी सब देख लें, गुड्डू कुछ छोड़ छाड़ के तो नहीं गया, कुछ खराब हो रहा, फिर अपना टनटन बजाते हुए, बहुत उसका अमिताभ बच्चन का ट्रिप था बहुत, मतलब जैसे हो थे अमिताभ बच्चन थे क्या, हाँ ही है लोग, कल्चर खड़ा कर दिया बच्चन, अमिताभ बच्चन का बड़ा, उसके साथ बहुत हम अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखे, और वैसे बंदे को आप एकाएक, और एक तुम लोग की जो चैनल की नौकरी होती है ना यार, उसमें भी दोष है, दोष उस नौकरी में भी, मीडिया का काम बड़ा कंज्यूमिंग हो गया, और बाप रे बाप किस तरह की जिंदगी जीते हो तुम लोग, भगवान बुद्ध होते तो कभी मीडिया में तो नहीं होते, नहीं तो सन्यास, मतलब कहीं एक मेंटल शांति नहीं मुझे दिखी गुड्डू में, उसका हंसी वसी हा हा हा, धीरे 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 ऐसा, मतलब और गुड्डू का जाना ना, क्योंकि मेरे फादर जब एक्सपायर हुए थे, मेरी देखो कैसे कैसे रिश्ते होते हैं लाइफ में, मेरे जब फादर एक्सपायर हुए थे तो मेरी दादी जिंदा थी, 1.5 साल तक ज्यादा किसी से मिलती विलती नहीं थी, वो क्या सोचेगा बेटा मर गया माँ अभी जिंदा है, आप समझ रहे, ये फितरत आपको कभी बचपन में नहीं आया होगा, उस माँ का सोचिए ना कि बेटा चला गया और माँ अभी तक जिंदा है, लोग क्या कहेंगे। तो जब सुमित का जाना जो हुआ ना, उससे फिर आप अकेले आपका नुकसान नहीं ना, आप उस माँ का भी नुकसान देखेंगे जो आपकी भी माँ, कितने मुश्किल से हम लोग उनको बाहर लाते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र नहीं है कि आप उसमें घुलते रहिए, नहीं खत्म कर लेंगे स्वास्थ्य को आप अपने, उसको बाहर लाना, बहन जब देखो जब से वो गया हुआ है उसका फोन लगाओ, कुछ ऐसे गाने सुनते जो नहीं होता कॉलर ट्यून या कुछ ऐसे गाने लगा लिए लाइफ में, मुझसे छोटी सिस्टर, और जब आप हार जाते हो ना, उसके लिए हमने एक मतलब बेटा बड़ा बेटा लीवर दिया अपना, हार्ट अटैक से खत्म हुआ, लीवर ठीक हो गया था उसका, उसकी आंखों में था ठीक हो जाऊंगा मैं, बादशाहों की शूटिंग चल रही थी, डे फर्स्ट जैसलमेर या कहीं कहीं जोधपुर वगैरह में कहीं था, एकाएक उसके बेटे का और मेरी भांजी का फोन आया, संजय मामा दादा को बचा ले है, अब भी मतलब मेकअप करके घुसा ही है आदमी, अजय देवगन के साथ एक बहुत टेंस वाला सीन था, कुछ
घुसे ही है कि दादा को बचा लो संजय मामा, दादा दादा क्या हुआ? अजय भाई के साथ बहुत बढ़िया क्या चीज है, उनका मेडिकल का थोड़ा ना नॉलेज, अजय देवगन का, हाँ पानी हो गया है पेट में, कुछ हो गया है, ये हो गया है, सब अजय देवगन को बताया, ले लीवर का प्रॉब्लम है ना, हाँ। फिर थोड़ी देर बाद संजय मामा दादा को बचा लो, उसके माथा में पानी जा रहा है संजय मामा, अजय भाई बोले बेवकूफ़ी बोल रही है, वो नहीं जा रहा, वो लीवर का पानी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। एक दिन बाद मुझे, उस दिन तो भाई अभी फर्स्ट डे सेटअप है, कैसे कह दोगे कि, और अजय देवगन है आपके सेट पर बॉस, इमरान हाशमी है आपके सेट पर, मिलन लुथरिया शूट कर रहे, सब बड़ा कैनवास है, उसमें जाके भैया भैया बीमार है, तो वो होता भी नहीं प्रोफेशनली, आपको उस वहाँ एक्टिंग कर रहे हैं तो करी, तो दो दिन बाद मुझे छुट्टी दी गई। जब तक वो अस्पताल में रहा, जब तक वो बीमार रहा, फैमिली में किसी का गुड न्यूज़ नहीं था, सारे गुड न्यूज़, सारे अचीवमेंट आके गुड्डू के न्यूज़ के साथ जुड़ जाते थे, लेकिन उसमें संतुष्टि ये की थी कि मेरा भाई आएगा। मैंने पूरा घर चेंज करवा दिया था कि इस घर में वापस आएगा, और करोड़ों अरबों नहीं खर्च किया था, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कि वो ये चीज़ देखेगा, कुछ ये टाइल्स उसको अच्छा लगेगा, उसके बैठने की जगह हमने ठीक करवा दी थी, सब कुछ तो करवा दिया था कि अब आएगा, आएगा जरूर, ये सबको एक था कि आ जाएगा। और हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई थी, आज वेंटिलेटर पर वो नहीं है, हे भगवान, आज वेंटिलेटर पर नहीं है गुड्डू, अब नहीं, फिर वेंटिलेटर पर भेज दिया गया, अरे वो वेंटिलेटर से हटता था और हमारे पूरे फैमिली में एक खुशी आ जाती थी, दादा वेंटिलेटर जा रहे, वाह मिन्नी वाह वाह वाह, जैसे हर बार बर्थडे मन रहा उसका। नाइट शिफ्ट कर रहे थे हम लोग, मैं रजनीगंधा खाता हूँ, मैं जो खाता हूँ गुड्डू भी खाता, हमारा मैं तो मेरे सारे मामा पान खाते थे, हम लोग हैं, हम उस जगह के हैं कि खाते हैं, इसमें मुझे कोई कतई कोई गुनाह नहीं। तो लास्ट जो मैं उससे मिला था तो अच्छी जगह पर, मतलब वो एक लिवर हॉस्पिटल है, वहाँ से उठ के वहाँ दरियागंज में उसके एक दोस्त का क्लिनिक है, वहाँ था, अच्छा लग रहा था, वहाँ सब बोलती भी थी कि आप थोड़े सुधर रहेंगे, हाँ ये चीज अच्छा हुआ है। तो जा रहे थे वापस बम्बई, तो घर से निकल, गुड्डू निकलना है ठीक है, तो मेरी एक डिबिया होती है उसको उसके हाथ के दब खाओगे, हाथ उठा नहीं सकता था वो, लेकिन उसके आंखों से लगा खिला दो भैया, खिला देते तो मजा आ जाता, लेकिन उम्मीद थी कि हम घर आके खाएंगे साथ में। जो रजनीगंधा भाई भाई छुपाते थे ताकि उसको ना दिखे। बंबई में नाइट शिफ्ट कर रहे थे, मैं था, अंशुमान झा था, जावेद जाफरी थे, तीनों एक फिल्म शूट कर रहे थे, और एकाएक फोन आया कि तो ठंडा हो गया मैं एकदम ही, घर नहीं ला पाए उसको, ये बहुत बड़ी हार हो गई। और जब पूरी फैमिली हारती है ना, और हारने के बाद जो सन्नाटा होता है उसमें होता है कलेश, सब लगे हुए ना, हारने के बाद एक तो हार गए, उसके बाद एक हारने के बाद एक सन्नाटा आ जाता है घर में, क्योंकि 13 दिन का कार्यक्रम होता है। तो मैंने हार्दिक से कहा था, जो मेरा कामयाब का डायरेक्टर, देखो कैसे कैसे लिंक है, आज उसको गुजरे हुए 7 या 8 दिन हो गए, मैंने अपने मम्मी से परमिशन लिया, सारे लोग घर के थे, कि क्या गुड्डू चाहता था कि मैं अच्छा एक्टर बनूं, तो क्या हम कामयाब दिखा सकते हैं मम्मी घर के बच्चों को, हाँ दिखा दो बेटा, हम कहा ये कोई हम इंटरटेन नहीं कर रहे, हम गुड्डू की, मतलब अजीब लगता है ना घर में कोई गया है और आप कह रहे हैं पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन वो पिक्चर जैसी पिक्चर नहीं थी, वो काम था,
जिसके पीछे आज जो ये तब से भैया तैयार है फिल्म, तब से मतलब गुड्डू गए हुए ज़्यादा, हाँ दो साल हो गए गुड्डू को भी उसी उसमें गया था, उसके उसमें पीरियड में मैंने कामयाब दिखाया था अपने घर के बच्चों को, कंप्लीट नहीं थी। मैंने हार्दिक से कहा यार मुझे भाई की उस पर, क्योंकि मेरे पीछे लगा रहा था यार सौरभ, मतलब कुछ भी कमी हो गुड्डू मतलब भैया, जब मैं दिल्ली आऊँगा स्टेशन या एयरपोर्ट पे उसको होना ही है, क्यों आ जाते हो बेवकूफ़ की तरह। मज़ेदार था लेकिन ठीक है। पटना से पता नहीं क्यों आप ये सब कुछ बता रहे थे तब भी, तो मेरे दिमाग बार बार बनारस आ रहा था कि क्योंकि ऐसे कतरा कतरा जीवंतता जा रही है ना जब कोई जा रहा है तो उसके साथ, बनारस की खूब यादें होंगी आप लोगों। अरे मुकद्दर का एक मतलब अलग गांव बनारस, एक कहाँ लौरा भी कहाँ पे रहते थे, कबीर चौरा जगतगंज एक ना लौरा भी प्रकाश टाकिज के बगल में था, थोड़ा प्रकाश टाकिज एक था वो भी खत्म ही कर दिए। क्यों सिनेमा हॉल बर्बाद कर रहे हैं यार वो ये संस्कार, बहुत रोएंगे बाद में हम लोग जब सुनेंगे कि ऐसा होता था, एक सिनेमा हॉल होता था, बंद हो गए। प्रकाश टाकिज के बगल में जगतगंज, पहले नाटी इमली फिर उसका जगत, वो इलाका कबीर चौरा ये सब, पिताजी का पिपलानी कटरा एक जगह है कबीर चौरा में, वहाँ पर ऑफिस था तो वो जगह नज़दीक थी, पान वहीं से आदत पकड़े थे हम लोग। बना लौंडे भी ऐसे ही ना, नंदलाल गुप्ता यहाँ आओ, क्या है भाई अबे अभी संस्कृत वाला बोलेगा, अपने को तो कुछ बोलना नहीं है, यह लो रे जब पत्ता लड़ाओगे, क्या पत्ता अबे देखो ये देखो पत्ते पे ना कत्था चूना और थोड़ा मीठी सुपारी, डरता नहीं, बैठ के संस्कृत वाले को सुन रहे हैं, और संस्कृत वाले हमसे कभी कुछ पूछे ही नहीं कि ये चिरकुट क्या बता पाएंगे लाइफ के बारे में। तो हम और नंदलाल गुप्ता अभी भी आता है वो दोस्त मेरा, अलग है भावकाल कभी, मतलब ऐसे लोग नहीं होते कि स्कूटर से यहाँ उतर गए तो उतार के रख दो ना, कोई ले ना जाए तो यहाँ भी रख सकते हो, लिफ्ट उफ सब में लगे ही चले जा रहा है, ऐसे ऐसे बकायद इस टाइप के बनारस में। हाँ अरे रजेश मिश्रा, हाँ चलो घूमने चल, मसान की शूटिंग कर रहे हैं। हाँ बड़ा सीरियस सीन है, बनारसी गाली, अबे चलो बे, अरे यार तुम पागल हो, पैसा दे के बुलाए या काम चल रहा है, अरे छोड़ो शूटिंग गए तो कर रहे हो बे, चल हटो। और डायरेक्टर नीरज गवान वहीं बगल में खड़ा हुआ है। हाँ नहीं मेरे डायरेक्टर, तो क्या हो गया डायरेक्टर, तो तुम चलो यार अभी चल के चलते हैं, उसको हम बोल दिए कि हम लोग पहुँच रहे हैं, वहीं लस्सी पीना फिर संकट मोचन तुमको दर्शन करना कि नहीं, आज मंगल है शूटिंग में फंसे हुए झूठ मूठ का। तो ऐसे ऐसे नालायक, और एक अच्छे दोस्त भी संजय ठाकुर, बनारस के एक आँख के बड़े महान डॉक्टर है, वो भी दोस्त, ये सब गुड्डू के दोस्त होते थे, पढ़े वाले लिखे वाले गुड्डू के दोस्त, और हमसे मजा आता था उनको। अच्छा हाँ उन दिनों में आपने बनारस ये लगी था केंद्र विद्यालय, एक बार एक टीचर मैत्री जलपान गृह करके एक जगह होती थी बनारस यूनिवर्सिटी में, अभी भी होती होगी है, तो मेरे स्कूल के बगल में वही था, और हम लोग रजा 15 पैसा में समोसा। तो एक दिन कौन शनिवार को पीटी होता था, एक ट्रिक 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 तेरी ट्रक तेरी काय का ट्रिक 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 ट्रक, ये सब में नहीं करना। हाँ डायरेक्ट दौड़ेंगे ठीक है, ये सब रियाज तुम करो। तो समोसा खरीदने लग गए, समोसा वोसा खा के पहुँचे ही हैं, तो टीचर एक जय सिंह थे, मम्मी का तबीयत खराब था तो बस दवाई दिए और घर पर बस छूट गई,
तो रिक्शा से आए, ये बात आप एप्लीकेशन में लिख दीजिए, हाँ एप्लीकेशन में लिख दीजिए ये बात। अरे सर ना लिखवाओ एप्लीकेशन हमसे, हम समझे, ये सुबह 8-9 बजे की बात है, 11:30 में आए, लिख लिया। और हम भी ना मार पन्ना बुक सिर्फ इतना लिख पाते थे हम, टू द प्रिंसिपल केंद्र विद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पिन कोड डालने की जरूरत नहीं, लेकिन पिन कोड। और जब वो आए ना तो दूसरे पन्ने पर बस 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 टू द प्रिंसिपल, फिर चल जाए आगे लिखें का। छुट्टी हो गई नहीं लिख पाए, पापा जी को बताया कि देखिए ये नमूने हैं आपके, 440 पेज बर्बाद किए खाली टू द प्रिंसिपल केंद्र विद्यालय, और पूरे दिन एक ये नहीं लिख पाए कि मम्मी की तबीयत खराब थी, और एर्थ वर्थ में थे बनारस एकदम। और दूसरी तरफ ये सब के साथ जो है ना कहानी लिखी जा रही थी इन चीज़ों की, शहनाई, सितार। बिस्मिल्लाह खान साहब को खूब सुना? बिस्मिल्लाह खान साहब हम अब भी खूब सुनते हैं उनके, मैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। हाँ बिस्मिल्लाह खान साहब, सुना बड़ा नायाब कलेक्शन है आपका रिकॉर्ड्स का। हाँ रिकॉर्ड्स का कोशिश करता हूँ, मतलब है मेरा ट्रिप यार, मैं जब भी कोई चरित्र में जाता हूँ फिल्मों में तो एक म्यूजिक कि भाई इस चरित्र का ये म्यूजिक, किरदार की एक, एक किरदार का सुर, किरदार का सुर ये है। एक फिल्म है जिसमें मैं डेथ ऑन ए संडे इन पटना सिटी देख रहा है वो अपनी दुनिया को कि यहीं था मैं, और उसका म्यूजिक मुझे वैसे ही चाहिए, तो लेड जेपलिन का उसका पूरा म्यूजिक। डायरेक्टर को जाते ही मैंने सुना दिया, देखिए भाई ये मेरे चरित्र का म्यूजिक है, लिरिक्स पे मत जाइएगा, मतलब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरे पास, मैं इंग्लिश म्यूजिक इतना सुनता हूँ क्योंकि उसके पीछे गिटार है, ये है वो है, भाषा तुम रखो लेकिन तुम्हारा सुर हमको बहुत पसंद है। तो ये मुस्कुरा का रहे हुए कुछ खिचड़ी पक रही क्या तुम्हारे? नहीं नहीं आप ये वाला बता रहे गंभीर, उसमें आप मुर्दा बने, हमको वो ध्यान आ गया जिसमें वो बिस्मिल्लाह खान साहब कह रहे ये शंभू का लौंडा, इसको कौन चुप रहे चुप रहे वो वाला बताइए। और उनको जब बजाते थे तो उनका सिगरेट यहाँ रखा होता था कहीं, विल्स पीते थे बिस्मिल्लाह का, तो संजय मिश्रा भी विल्स से शुरू करेगा, तो विल्स पीते थे यहाँ रखा रहता पा 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 पा। और बगल में तवलची है, वाह 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 चल रहा है सब, वाह 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 वाह, जो वाह वाह गन्ने से शायद समझ में आता हो म्यूजिक, हम भी वाह दे 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 दे। अबे शंभू का लौंडा है का, पान खाने चला गया होगा वो, इधर तुम इधर आओ, इधर बैठाओ इसको, तबलचियों को खराब कर देगा, यहाँ हो तुम, कहाँ है शंभू, शंभू अच्छा बैठो। उनका ध्यान एक तो लगा कि एक ऑडियंस तो बना है बिस्मिल्लाह खान नाम है जिनका, जो हमें ही देखते रहते हैं बार बार, समझे ही नहीं। एक बार हमारे स्कूल में हाँ। संगीत से ही रिलेटेड बात है कुछ था कि इस बार 10th के जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो आएंगे, अब ससुर 10th का एग्जाम में दूसरी बार जा रहे हैं, इस कौन बार सा वाला एग्जाम था पता नहीं, ये सब मुझे नहीं मालूम, 3 दफा दिए हैं ना, 3 दफा 2 दफा 8वीं, अब उसी सब छोड़ जाओ इसमें न घसेंगे, लेकिन अब ये दूसरी बार आए हैं कि ये लोग जा रहे हैं, सब बच्चे ताली बजा रहे हैं। तो हमारा एक टीचर था, अडॉन रिलीज हुई थी हाँ। केमिस्ट्री का, क्या सुनी तरह पान खिलाओ यार, टीचर बोला हाँ। तो हम कहे हाँ, तो सुनो जब थोड़ी देर बाद जाना, तुम तो पिछले साल भी गए थे ना, हम कहे हाँ वो गए थे, तो दौड़ दौड़ उधर जाओ और तुम पान खा के ना खाई के पान बनारस वाला गाना गाना, समझे हम के हाँ ठीक है। तो उनके लिए जर्दे का पान लाए थे, वो जर्दा खाते थे 300, अरे दो लोगों ने बहुत
तड़पाया है मुझे, बताऊंगा एक, रंजीत कपूर भी है। हाँ। तो 300 रुपये 300 नंबर का जर्दा वो खा रहे थे। अब ले करके हम आए, है संजय जल्दी आओ स्टेज पर, स्टॉट स्टेज पर सब खत्म होने वाला। तो उनका पान मेरे पास रह गया 300 नंबर और मेरा मीठा पेन। हाँ, आप 300 नंबर जर्दा वाला पान खा के खाई के पान में रंग का बंग, ये सचमुच ही होने लगा चकाचक। अरे हालत खराब हुई, चक्कर उक्कर खाने लग गया। वो गुरु जी मार ऐसे खा रहे हैं, क्या खिला दिया सुबह सुबह बर्फी। और हम जो है रजा इसकी जात का। एक ये गुरु जी थे, गुरु भी देखो चेलाओं को कैसे मिलते। एक रंजीत कपूर, एनएसडी वाले रंजीत कपूर। हाँ। तो एनएसडी के ये का बाउंड्री वॉल। हाँ। और एक कोने पे एक पहाड़ी, अपना छोटा सा आम का एप्पल बॉक्स नहीं होता, एप्पल। हाँ। एप्पल जिसमें रख के लाते, उसमें लगा के एक पान का दुकान बनाया हुआ था। हाँ। तो रंजीत कपूर ने मुझे उससे मिलवा दिया, देखो भाई ये संजय है। नमस्कार। हाँ बस संजय, मैं ना कभी कभी तुम्हारे नाम से हैं। तो उससे वो पान बनवाने लग गए। साहब आपका हो गया 40 रुपया। कहेगा 40 रुपया, अरे रंजीत जी आप ही के नाम पे पान लेके चल जा रहे हैं। कहे गुरु तो अच्छा, खाते क्या वो? तो 300 राजरतन खाते हो, खिलाओ। खाए और वहीं से हॉस्टल जा रहे थे। थोड़ा तो ऐसा हुआ कि उल्टी होगा कुछ होगा, फिर धीरे धीरे मजा आने लग गया। फिर वो 300 राजरतन हम भी खाने लग गए कि रंजीत कपूर खाते हैं, रंजीत कपूर बनना है तो 300 राजरतन खाना, रंजीत कपूर बनना है। हाँ, दा रंजीत कपूर बनना है तो 300 राजरतन खाना ही पड़ेगा। एक प्ले कर रहे थे वो, तो मुझे रोले नहीं दे। हाँ। सबका कास्टिंग होगा, ये करेंगे राधा कृष्ण दत्ता, ये रोल करेंगे पुअर बितौस नाम था नाटक का, ये रोल करेंगे ये राजेश बाली, ये तिग्मांशु धूलिया, ये पलना, ये चिल्ला। और गुरुजी हम पान लाओ, तो पान लाने भेज देते थे हमें, चले गए पान वान लेके आए। फिर गए तुम बैकग्राउंड करो। अच्छा चलो बैकग्राउंड करेंगे। तो नाटक के जो स्क्रिप्ट होती थी नाटक की, उसमें हम लोग निशान लगा लिए थे कि पेज 26 पे मैंने तुमसे क्या कहा था, डम 26 पे बजा दिए, 27 पे तुम फिर आ गए डम। अब ये मेन रिहर्सल में डुम डुम चल रहा है, एकाएक रंजीत भाई आए, वे हम संभाल लेंगे, तुम लाओ, बंद हो जाएगी दुकान, तुम समझो बात ना करो, बंद हो जाएगी दुकान, चलो जाओ जल्दी जाओ। पहले आखिरी डम तो बजा ले, 30 पर है, हम कर लेंगे। अब वो डायरेक्टर वाला उनमें कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, वो स्क्रिप्ट हटाओ जहाँ देखे डम 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 डम, एक्टर भी कहे मैंने तुम्हें डम 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 डम। और फिर जब तक हम पान लेके आए तब तक तो भंगड़ा हो रहा हो, डम 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 रकड़क, डम 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 रकड़कड़, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। हमको गुरु जी लो पकड़ो। अब 120 पेज लास्ट का ढम, फिर वापस 121 पर ढम और 124 पर ढम, नाटक खत्म। अबे आए दो चार लौंडे तो चपेट दिए हमको, टिश्यू वगैरह थे। अबे आदमियों पे कहा क्या भांग वांग खा लिए, तुम बीच में क्या कर लिए थे, तुम क्या बजा रहे थे यार, हम कम करिए। अबे सुन तो सही, हम भी बजा रहे थे बे वो गुरुजी गुरुजी। अरे सब बढ़िया गया, अच्छा गया, ठीक गया, ठीक है चलो। ऐसा ये पान का चक्कर जो है, और पान का चक्कर आशुतोष भट्टाचार्य भी पान खाते थे, सब। हाँ। सारे गुरु लोग पान खाते थे बॉस। डाउन में अमिताभ बच्चन खाते थे, उससे और मनोबल बढ़ा, सर्टिफिकेट मिला। गुड्डू को शराबी पिक्चर से शराब की थोड़ी थोड़ी लत शुरू हुई थी, लत नहीं शुरू हुई थी, अच्छे कपड़े पहन के, अरे भाई चलो टिस्टा, इसीलिए शायद बंद कर दिया गया सिगरेट शराब ये सब। हाँ। पता नहीं, मतलब ये बहुत ही डिबेटेबल है दादा, आप क्या देख के क्या सीखते हो। मतलब हम राम को भी तो देखते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो ये आपके ऊपर है कि आप राम को देख के सीख रहे हो, रावण को देख के कितना इंप्रेशन, वो आपके ऊपर है। हाँ, वो बहुत कुछ, लेकिन दिखाना दोनों पक्ष चाहिए, राम रावण दोनों। हाँ सही बोल रहे हो तुम,
आप आशुतोष भट्टाचार्य का जिक्र कर रहे थे, मुझे ज्योतिन भट्टाचार्य याद आ गए। देखिए दो भट्टाचार्य थे जिंदगी, बड़े थे यार, बड़े बड़े पापा जी का कोई दोस्त जब जाता था ना, सबसे ज्यादा मैं रोता था। उनके सारे दोस्त अतरंगी दोस्त, मतलब क्या होता है, जैसे ज्योतिन भट्टाचार्य बहुत सीनियर पिताजी से, हाँ। दादा वैसे वाले, लेकिन दोस्त। तुम अभी भी मेरा एक काला बैग है देखोगे, मैं ज्योतिन भट्टाचार्य की तरह उसमें परफ्यूम रख के घूमता हूँ अभी भी। इत्र, बेहतरीन इत्र कहीं हो मैं मंगाऊंगा, दिखाऊंगा, इस शो में दिखाऊंगा, वो मेरा एक खजाना है, हाथ में रहता है काला, उसमें कहीं गए। इत्र का चस्का वहां से आया? इत्र का श्यामादास मुखर्जी थे पिताजी के, कुंडली वगैरह अच्छा देखते थे, उनको अकेले थे तो उनको बड़ा शौक, रांची से आते थे, रांची से बेहतरीन अगरबत्तियाँ, आज भी मेरे यहाँ बहुत बेहतरीन अगरबत्तियाँ, गलत अगरबत्ती मतलब अगरबत्ती है जलाल, ना 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 ना, स्पेसिफिकेशन है। रांची में अच्छी मिलती है क्या? नहीं वो रांची, आपके शहर में भी अच्छी मिलती है, यहाँ बंगाली मार्केट में बढ़िया मिलती है, दिल्ली में नाग चंपा एक अगरबत्ती है। कौन सी? नाग चंपा, नाग चंपा लेना, काफ़ी सारी हैं। और यहाँ अगर और चाहिए अगरबत्ती तो अरबिंदो आश्रम है यहाँ, अरबिंदो को साकेत के और पहले साकेत बोल रहा हूं। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें जिंदगी के लिए अच्छी चीज़ है, शायद तुम्हारे बच्चों को एक अच्छी आदत पड़ जाए या किसी को तुम गिफ्ट में दो। कि तो ज्योतिंदा सरोद बजाते थे, सरोद बढ़िया काम, उनके एलपी वगैरह भी निकले, अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। अच्छा, रविशंकर के साथी, रविशंकर खूबसूरत थे, ये थोड़े अब अपना अपनी किस्मत, लेकिन गुरु आदमी थे, गुरु, उनको सुना है मैंने बजाते हुए। वो बोलते थे दादा कि थोड़ा इत्र रखो, माहौल बनेगा, और माहौल बाजी तो इन्हीं लोगों से, एक बबली चाचा थे, अबे उनका घर एकदम कचौड़ी गली ब्रह्मनाल में, जहाँ से मुर्दा, हर मुर्दे को वहीं से गुजरना है, और गल्ली रजा इतनी समझ लो, तुम्हारी कुर्सी एक कुर्सी इसी में मुड्ढा टकरा जाए, हाँ, साढ़ो है, मोटरसाइकिलो है, नाम नाम सत्य, वो भी एक पान का दुकान है वहाँ, अजीब है पान, तुमको बताए थे ना, हाँ, कि पान वाला दुकान उस गली में वो रहते थे। मम्मी को कभी कभी जाती थी, यंग थी मम्मी, हम लोग छोटे छोटे, अरे मुर्दा देख के बेहोश, तो देखे बहुत लोग बचाने आते थे, समझ रहे हो कि नहीं, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तब तक मैं पोली चाचा आ जाते, चल छोड़ छोड़ यहाँ पे, चल चलिए भाभी करके, तो माहौल जो है ना बनारस ही देता है, नोएडा न दे पाई माहौल गुरु, नोएडा मुंबई तो क्या, कहाँ कहाँ, बनारस का एक माहौल है यार, आपके अभी एक गली है वहाँ जहाँ सारे म्यूजिशियन का घर है, कहीं से तबला सुनाई दे रहा है, कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है, कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है, दशाश में एक पर आशुतोष भट्टाचार्य आयुर्वेदाचार्य थे, तबला तो था ही, आयुर्वेद की दवा देते थे। एक कहानी बताना भूल गया, हमारे दादा को ना हम पर हमेशा शक हो, बाकी तो बच्चे ठीक है ही, कुछ चिरकुट है, तो एक होम्योपैथिक के डॉक्टर थे अवधेश नारायण सिंह, तो हमेशा शाम में वॉक करते करते, अरे मिश्रा जी कैसे हैं, इधर आइए इधर, संजू को बुलाओ संजू को बुलाओ, तो कहीं एक ग्लैंड था यहाँ पे मेरे कुछ, अब है कि तो क्या कहीं ग्लैंड देखे पहले है क्या, वो भी छू गया है, नॉर्मल होता है ये सब हो जाता है, नहीं कहीं इसी की वजह से कुछ अतरंगी टाइप तो नहीं है ग्लैंड की वजह से, तो अवधेश बाबू के सामने हमको कई बार बैठाया गया कि कुछ अतरंगी, ओ होम्योपैथिक डॉक्टर जितना दवाई दे उतना ही अच्छा, कभी होम्योपैथिक लगाई नहीं हमको, खैर तो माहौल बनारस देता है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप ये आशुतोष भट्टाचार्य जी का जिक्र कर रहे हैं, इतना मूतने कहे जाते थे आप जब उनके पास जाते थे, तो वो पढ़ाने लगते थे ना, उनका एक बेटा था जो आशुतोष था, नहीं आशुतोष, हाँ। जाओ संजय बताओ उसको, वो दी मा तीना दाना याद है, हाँ याद तो है, अभी सुबह ही तो बोले थे, दीना तानी तीन 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 ताली थे, तो चुपचाप, और जब बजाने का मौका देते थे तब नहीं लाता था शिशु, हाँ तब वो बजा लेंगे,
लेकिन जहाँ फिर बोलना पड़े दीदी ना तीन त्रिकटना धंधो दैट तरीके वो फिलोसफी बजवा लो ये ना करो हमसे कविता लिखवा लो भाषण मत देखो मतलब व्याकरण ना देखना हमारा तुम देखो कि जब भी हम बोलते हैं बिहार वहार का कहाँ बस आया था कि बस आई थी चलता रहता है मेरा बहुत प्योर हिंदी नहीं हमारा भाषा वो अपने को व्यक्त करना चाहिए ना बस कभी कभी लोग लिख देते हैं ना कि अरे सर आप मेरी में इधर का जगह लगा दिए अब भाव समझ भावना समझ बेटा हैं तो पिताजी भावना नहीं समझ रहे थे कभी समझे ही नहीं आज तक नहीं समझे उनको कुछ भावना मालूम थी कि भाई यही सब में बैकग्राउंड क्या लिखे हो अधिकार तो एक बार तुम लिखे हो अधिकार अधिकार लिखो तुम अधिकार तो ऐसे लगेगा तो इन लोग से तो क्रिएटिव बात ही नहीं करते थे हम कि जाओ क्योंकि ये लोग मात्राएं दुरुस्त करते हैं तुम लोग को माफ किया हमको जो बनना हम बनेंगे भले मात्राएं ग्रामर कितना स्पॉन्टेनियस था कि वहां से शंभू जी आ रहे हैं और आप गच्च घुस गए गंगा जी में पापा जी ना हाँ उनकी आवाज से ही क्या कांड करके आए थे भट्टाचार्य जी कई बार पकड़ा चुके हैं ना हम हर बार अरेस्ट हो गए खाली आवाज है ये 1 2 3 भाग लो संजो गप भीतर बच गए ज्यादा लात नहीं खाए तैरना नहीं आता था तैरना नहीं आता था लेकिन उसमें बचे रहे मतलब खींच के निकाल लगा कि अब जाऊंगा तो फिर दोबारा जब गए गंगा जी तो तैरने लग गए थोड़ा सा पानी का डर वो हो गया जो अब तक माँ बाप ने ना किनारे नहीं पीछे पानी से पीछे करते हैं ना माँ बाप वो डर खत्म हो गया कभी चोरी करके भागोगे ना तो ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग ऐसे ही कूद जाओगे और कोई कह दे दिन में सब सौरभ जरा कूद के जाना उधर पागल है आप क्यों दे चोरी में बड़ा भुक भाग जाते होंगे लोग वही वाला ट्रिप था वो वही स्पॉन्टेनियस था वो बड़ा एक जिंदगी में कुछ अजीब सा है यार कि सिखाओ मत मुझे एक चीज है जो आपने बिना किसी के सिखाए सीख ली क्या शंभू जी के आपके पिताजी हमारे चाचा जी उनके एक दोस्त थे बिरजू महाराज कमाल के कथक गुरु उनके सामने आपने एक नृत्य किया था दुनिया में क्या था वो दुनिया में लोगों को धोखा कर राजेश खन्ना का गाना बेल बॉटम एक्चुअली में एक पराग बच्चों की पत्रिका निकलती थी जी शायद तुम लोग के बचपने में भी निकलती पराग याद हरि कृष्ण देव सरे नामक एक साहित्यकार थे थोड़ा कमाल के जी तो वो उसके एडिटर होते थे और पिताजी का काम था कि हर महीने एक देवकी नंदन पांडे थे जो न्यूज़ पढ़ते थे बहुत पहले अरे बड़े लेजेंडरी अगर सुने हो देवकी नंदन पांडे सब समाचार उनके एक सुपुत्र है उनके जो फिल्म लाइन में अच्छा हाँ तो देवकी नंदन पांडे से किसी महीने दिनकर से मिलने जाना होगा किसी महीने सितारा देवी से अरे वाह किसी महीने शत्रुघ्न सिन्हा से हाँ किसी महीने बिरजू महाराज से तो बिरजू महाराज वाले तक मम्मी कहीं बेटा जा कर के ना डांस दिखाना इतना बढ़िया बारात में तुम नाचते हो समझे अच्छा हाँ तो बिरजू महाराज को दिखाना बिरजू महाराज को डांस दिखा देना बेटा सुनिए आप भी याद दिलाइएगा इसको दिखाना है तो वो डांस जो है बिरजू महाराज के घर में बिरजू महाराज के सामने और बिरजू महाराज ये क्या कर रहा है दुनिया में अरे बाप रे नागिन सी मेरी और नागिन वागिन सब बने मेरी जान गाते हुए ये भी लग रहा है गा क्यों रहे खुद ही गा रहे थे डांस भाई बीच बीच में रोक देते थे हमको तो सिर्फ डांस मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे ये डांस देखना है भाई शैतान हम लोग ना नचवाओ मत यार चाय पिलवा दो बहुत ठंड लग रही है ठंड लग रही है ना खुले में हां मैं तो इसीलिए बांध लिए पटका दुनिया में लोगों को धोखा कहीं हो जाता है आधा अधूरा बता के काम नहीं चलेगा दद्दा देखो एक गाना भी बड़ा हिट था हाँ बहुत हिट था वीरो तरत 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 लेकिन घर वालों के लिए बड़ा बुरा गाना था हाँ जब भी वीरो तरत तरत चुप
गाना गा रहा है, मतलब उसके सुर ही अलग था ना। नहीं लेकिन बिरजू महाराज के सामने तो आप गा रहे थे ना। तो भाई अब दो दिन बाद उनके पास जाना है। हाँ। अब वही डिसाइड करेंगे इतने छोटे लौंडे का करियर। मम्मी पूरा कि देखो बेटा तुम उनको दिखाना, जो जो आता है उनको दिखा देना सारे अपने हुनर हुनर, शायद तुमको उठा ले। अच्छा। अरे कहीं तो लाइन पर लग जाओगे। उसी समय था कि लाइन पर लगवाना है इसको, बहुत चंचल दिमाग है इसका। हाँ। पापा जी को भी बोली इसके, आप भी ध्यान दीजिएगा। मम्मी बोली ये नहीं कि अपना आदेशात्मक स्वर में। हाँ, पत्नी का आदेश पिताजी को। इंटरव्यू में हम लोग अपना क्वेश्चन याद कर लेते थे, जिधर उनका आंख गया पापा जी का। अंकल आपने सबसे पहली बार झूठ कब बोला था? तो बिरजू महाराज जवाब देते थे कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पराग में बच्चों का एक छपता था उसी टाइप की। अच्छा, तो वो आप इंटरव्यू करने बच्चों वाला आप जाते थे? आप नहीं जाते थे, चार पांच बच्चे होते थे उसमें, आप भी होते थे। हाँ, एक बच्चे हम भी होते। हाँ। थे तो बस बिरजू भैया ये हमारा बड़ा बेटा है। अच्छा अच्छा, वो बनारस के तरफ के हैं बिरजू वाला। हाँ। तो पापा जी ने कहा उनको बड़का बेटा है, बिरजू वाला हमारा बड़का बेटा है। हाँ। संगीत कला इस सब में थोड़ा जो है दिलचस्पी है, दिलचस्पी है, जरा देख लेते वो क्या क्या कुछ लग, क्या कथक शास्त्रीय करने ने? बेटा दिखाओ। मतलब उनको लगा कि मोहे पन घट पे नन ऐसा कुछ होगा कुछ, क्या कह रहे क्लासिकल? नहीं नहीं, नहीं दिखाओ आप संजय मिश्रा, मतलब सब उसी के लिए तैयारी होके आए थे। हाँ। सवाल तो एक बहाना था। हाँ ये नहीं, और उसके बाद जो शुरू में पूरा गाना गा दिए थे। कैसे? अबे पूरा गाना राजेश खन्ना भी जो गाए थे वो भी कुछ एक 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 मुखड़ा कुर्सी हटवा देंगे। नागिन सी मेरी जान रखना दिल का घर, अजय यार मेरे दीवा, और आंख बंद करके जो रजा शुरू हुआ पूरा पुलिस स्टॉप पे बजा के रुका हूँ। पूरा पूरा गा भी रहे और डांस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनको भी कोई काम होगा ना, कहाँ फंसाए थे से लौंडा इन सम्मुख, तुम क्या मतलब। हाँ, और जो डायलॉग बोल के दिखा दो बेटा लास्ट में। हाँ वो भी हो खामोश, देखे मिथुन चक्रवर्ती ऐसे बोलते क्यों रे, सब 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 कुछ कर कुर करके। तो एक्टर बनने का जो नींबू था ना। हाँ। जो हम लोग ऐसे ऐसे शहर से जहाँ मतलब तारकोवस्की और कोस्की का सिनेमा पहुँचवा ही नहीं किया, त्रुफो का सिनेमा पहुँचवा ही नहीं किया। हाँ। ना कोई अकलमंद अंकल है, राजकमल चौधरी पिताजी के दोस्त। अच्छा जी, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, मतलब ऐसे ऐसे लोग तो तारकोवस्की और कोस्की नहीं पहुँच पाया था। तो यही सब पिक्चरें देख के, एक भागीरथी सिनेमा था उसमें भी तो हॉल में हम अकेले नाचे, कोई नहीं होता। नंदलाल अंकल का था, नंदलाल अंकल अंकल है एक बार उसमें बड़ी, जब सब सब जगह से पिट के कोई पिक्चर आती थी ना तो उसमें लगा देते थे सस्ते में, लगाना हॉल चलाना है यही। तो उसके कभी ऑपरेटर रूम से कभी कुछ, तो ऑपरेटर भी छोड़ के चल जाता था, देखते रहे ना अभी लगाए हैं थोड़ी देर में आते हैं। यही रोल हमने अभी टिशू की पिक्चर में किया था, मिलन टॉकीज, मिलन टॉकीज में देखते रहे ना हम लगाए हैं, अभी आते हैं पान खा गया तब तक उधर गाने में, मैं तुलसी तेरे आंगन के गाने पे क्या था। कब बड़े रायते हैं यार लाइफ में। वो वाला रायता बताइए जो आप बेगूसराय पहुंच के किए थे, कुर्बानी। कुर्बानी हाँ, वो हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, जैसे ना सही सही बताना गंगा कसम है, ध्यान कहाँ था उस गाने में? हम तुम्हें, हम लोग थोड़े अतरंगी लौंडे थे। हाँ। बिकनी वालों को कम देखते थे। अच्छा। विनोद खन्ना का बाल ज्यादा देखते थे, पता हाँ। नहीं आज तक हमसे कोई पूछता आपको बेस्ट हीरोइन कौन लगती है, समझ में नहीं आता क्या बताओ, नजर ही नहीं गया, पता नहीं ये एक अलग ही को प्रॉब्लम था। अच्छा। हाँ बिकनी वाले को थोड़ा दिल तो, I don't like girls. हाँ मतलब हाँ दिल तो है वहाँ, लेकिन भैया की बात ज्यादा करो, समझे कि नहीं। बाल वाल जो था ना उसका विनोद खन्ना, क्या पिक्चर थी कुर्बानी ना। अमजद खान बे सिनेमा, मतलब जिसको किसी डायरेक्टर का मैं पढ़ रहा था कि हम इंटरटेनमेंट बनाना चाहते, उपदेश नहीं देना चाहते, मत दो उपदेश भैया लेकिन इंटरटेनिंग भी तो बनाओ, मनमोहन देसाई जैसा।
कि वाह साईं बाबा ने आंख दे दिया, बिलीव हो गया बॉस शिरडी वाले शेर। अब बताओ किस मोमेंट पे गाना आता है, आपको रुलाई भी आता है, साईं बाबा के प्रति श्रद्धा भी होती है और मान भी लेते हो कि हो गया गुरु। ये लॉजिक कहाँ लॉजिक, कौन लॉजिक रे, ये एंटरटेनमेंट। पर आप बहुत कांड भी करते थे, बहुत बहुत है नहीं क्या कर... वो ट्रेन वाली हरकत बताइए जरा जनता को। बिहार वार में ट्रेन में एक बार पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू, कुछ लाए के नहीं मम्मी कुछ नहीं दी, अरे मम्मी छोड़ो ट्रेन से कुछ लाए, कुछ नोच नाच के कुछ हो। ये मतलब बिहार में बड़ा है, एक तो विद्यार्थी परिषद का कार्ड विद्यार्थी अपना, एक तो जहाँ जहाँ विद्यार्थी पता नहीं कैसा, और विद्या की अर्थी उठाने वाले लोग हम लोग, विद्यार्थी विद्यार्थी नया जूता। क्या रात थी यार वो, क्या थी वो रात, उसकी शुरुआत से शुरू करें। जो कामयाब में बूट वो उधार वाला था जूता, हाँ हाँ वैसे उधार वाला नहीं था, मतलब दोस्त से हाँ उधार लेके आए थे, बाद में अपना हो गया। अच्छा बढ़िया लिए, हाँ जैसे हिंदुस्तान में होता है, हाँ अभी पैसा ले लो उसके बाद। तो देखिए कामयाब में मेरी एक चाल है, देखना टाक टाक वो ही चाल अब मुझे याद आ रही है। बेगूसराय के सड़क पर जूता लेके भागे दोस्त का, वो बेचारा और अंदर कहीं गली में रहता है, सफ़ेद जूता था सफ़ेद, साला सिगरेट पीना। और ये बोकारो में भी पढ़ाई लिखिया की है, तो वहाँ पर उनका चट चल गया था सुर, बच्चन जी जो नहीं उतरते स्टेशन पर शोले में, वैसे कपड़े, ये सब बड़ा था हमारे साथ भाई। कि आप कुछ दिन तक परिचय पिक्चर देखिए गुलजार की, तो कुर्ता ही पहनो, समझे। भयानक असर था, मतलब भयानक मतलब नस नस में, कण कण में, मज्जा में घुस गया एकदम। ये कपड़ों का बड़ा चक्कर था, अभी भी जो हम आज तो अब प्रमोशन खत्म हो गया, लेकिन मैं पूरे प्रमोशन में ज्यादातर बेल बॉटम वापस कि सिलवाओ गुरु सिलवाओ, बच्चन वाला फीलिंग, कोल्हापुरी चप्पल ये चाहिए, ये सब माहौल, वही माहौल 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 माहौल। तो क्या सब्जी वालियों के बीच बैठ के क्या कर रहे थे सुबह? आप देखो सब्जी वालियों के बीच में नहीं स्पेशली गए थे, तकदीर ऐसा लिखा था। और इतना बढ़िया जूता होता यार, कहा सब्जी वाली को तकदीर, बैठ घुस 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 घुसे तो है मूली यहाँ पालक गाजर। और वो टाइम होता था पटना जाता था सब्जी सुबह सुबह, हाँ बेगूसराय से बेगूसराय बरौनी ये सब जगह से चलता था देहात का माल, हाँ। और ऑर्गेनिक चीज़ों के बीच में आ रहे थे, कोई गड़बड़ भी नहीं था। आज लोग तो ऑर्गेनिक के पीछे भागते हैं, मेरे साथ तो मेरे पास तो आया घुस 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 तरकारी उरकारी वाला, और ज़्यादातर तरकारी वाली भी बीड़ियाँ पीती थी, सब बीड़ी पीते थे। कुर्सी उर्सी पे दिया होता ना बैठने को तो मुश्किल हो जाता, पकड़े जाते बेटा कहीं भाग रहे हो, जूता भी क्योंकि मुँह से मैच नहीं खा रहा था जूता। अच्छा समझे जूता मार मुंह भागा हुआ चोर टाइप कि कहीं कोई देख ना ले। तो उनके बारे में कुर्सी उर्सी नहीं था, मतलब हाँ। फिर टीटी आया, हाँ टीटी आया भैया, टीटी आया, चेकिंग हो गया, चेकिंग टीटी नहीं हुआ, टीटी से बड़े वाले आए, हाँ अरे कौन है, तो कुछ भाग गई सब्जी वालियाँ। हमारा जूता जब नया होता ना तो फिर पहनने में भी उतना ही टाइम लगता, तब तक तो एक हाथ में एक पैर से फिरोज खान और एक से संजय मिश्रा, सुबह सुबह 5-5 बजे कुछ चार तीन कुछ ऐसे ही बज रहा था, पैसा सब सिगरेटे में खर्चा हो गया था, 10-12 रुपया बचे हुए थे। तो घर में ढुलाई नहीं हो रहा था, जिनके यहाँ से आए थे तो सोचे चला गया ना, तुमने बोला था ना जाने को, हाँ। आंटी को बोलेगी अंकल बोल ले जाओ, और आंटी से 20 रुपये ले लो, आंटी अंकल को बोले आंटी बोलनी है जाओ और अंकल से 20 रुपये ले लो। तो अपना लिए हुए सामान, किताब एक भी नहीं रखे थे, बाकी वो पापा जी मंगवाएंगे जो कुछ है ना, ब्रश जिभिया खाली रखे थे यही सब रख के, और निकल पड़े थे खुली सड़क। कितने साल के थे? साल कैसे बताएं, कुर्बानी रिलीज हुई थी। और मेरे जब तुमको हंसी आ जाई है, कितने साल के क्या थे, साल वाल नहीं गिनते, साल कुर्बानी रिलीज हुई थी, साल कुर्बानी रिलीज हुई थी, कुर्बानी रिलीज हुई थी
बहुत बड़ी पिक्चर थी कुर्बानी, क्रांति एक पिक्चर थी भाई साहब। अरे साहब बड़ा मार खाए उसने, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी घड़ी। मनोज कुमार चन्ना है मर्जी का, ये दुश्मन है खुदगर्जी का, खुदगर्जी का। उस समय कुछ डिजिटल नहीं था, एक महीने पहले रिकॉर्ड आ गया था, रिकॉर्ड चाहिए था किसी तरह से क्रांति का। मेरा चना पिक्चर रिलीज, और ऐसे नहीं रिलीज होता था जैसे अभी साउथ में होता ना कि सुबह 7:30 से 3 बजे से लोग लाइन में लग गए थे। साजन सिनेमा मेरे घर के ठीक सामने, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, एक बच्चा पान वाले के अपना ये निकाल के रख लो चच्चा और एक टाव खिला भी दो ताव, और सुबह सुबह अंडा का दुकान पर सतीश करके अंडे वाला था, काला सा बड़ा मानता था, अब बड़ा इधर आओ यहाँ बैठो, अंडा चिक 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 चल रहा है। और सुबह सुबह पहला सा शो था 9 बजे सुबह का, क्रांति पिक्चर समझे, तो अंदर घुसवा दिया हमको, पैसा नहीं हो भैया, सतीश भैया ठीक है पान थूक के बाहर जाओ, नहीं अंदर करोगे, पान थूक के रह जा, अंदर गए और इधर ना कोई काउंटर पर कुछ कुछ तो हुआ था कि किसी ने चचा टाइप गन निकाल लिया था और पंखे से टकरा के गन पंखा दोनों कड़क हो गया था, फार फायर हुआ, कुछ तो हुआ था कांड, पुलिस आ गई सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में ऐसे जिसको मिला घसीट के ले गई, और मेरे घर के सामने ही थाना, तुम यहाँ छोटा था ना, तुम यहाँ स्कूल का कपड़ा पहने हो, क्या कर रहे थे तुम हॉल में, बक्सा कहाँ है तुम्हारा, बाप का नाम, हम गए शंभू नाथ मिश्रा, कहाँ रहते हो, यही 7-3 दिनों अंकल, हम देखिए अंकल हम कुछ देने गए थे, अरे तुम कैसे देने गए थे 11 बजे दिन में, तुम क्या देने गए थे, तुम्हें तुम्हारे स्कूल कितने बजे का, पुलिस से झूठ नहीं बोल सकते भाई साहब, कहीं से घुसा करके निकाल ही लेती है, नहीं देने नहीं गए थे हम, वहीं बैठे थे फिल्म देखना था, बाप को फ़ोन लगाओ, 620 कुछ नंबर था डाले लगा होगा, मम्मी उठाई, हाँ पापा जी नहीं है जानते ही हो तो फ़ोन, अच्छा पहले फ़ोन क्यों कर रहे तुम, मम्मी यही थाने में बैठे हैं, हाँ तुरंत पापा जी को फ़ोन किया, पापा जी अपना इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सारे आज अखबार तो कौन कौन अखबार सबके पत्रकार सब कुछ पहुंच गए, अरे आपका बेटा है ये बता, बड़ा नालायक है, स्कूल का बक्सा कहीं छोड़े हुए है और बताइए पिक्चर सबको बिगाड़ देगा, लेके जाइए। तब तक तो पापा जी को आदत पड़ चुकी थी इस तरह की चीज़, कंटाप नहीं पड़ता था उस लड़के, वो मारते नहीं थे पापा यार मेरे, अरे मारते कभी नहीं थे, लेकिन उनकी एक निगाह घूम जाती थी ना, मैं बहुत एंड के दिनों में मेरे पापा जी से काँव काँव होने लग गया था, क्योंकि इतनी दवाइयाँ ववाइयाँ पड़ी थी ना इसलिए काँव काँव हो गया था, मैं पिताजी का अंधभक्त भाई साहब, बस हम लोग क्या ज़्यादातर फैमिलीज में होता था कि पापा आए तो लोटा लेके इधर से गायब हो लोग खाना पीना, वो उधर चल जाते थे, मार नहीं पड़ती थी। तब लगा मार पड़नी है जब सरिया मोड़ रहे थे दिल्ली में, सरिया मोड़ना भी एक भागना था मुझे, उस समाज से भागना था जिसको स्कूल बोलते हैं, दिल्ली आ गए थे तब है ना, दिल्ली आ गए थे, हाँ बनारस से दिल्ली, फिर कभी कभी दिल्ली से फिर बनारस भेज दिए जाए, बोकारो भेज दिए जाए बोकारो वाले चाचा के पास, सरिया मोड़ रहे थे तो दुख तो हुआ था मुझे उनकी तरफ से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का अधिकारी है और उनका बेटा मजदूरों के बीच में बैठ के सरिया मोड़ने का काम कर रहा है। कितने दिन से कर रहे थे वो, कोई 5 रुपया मिलता था, 5 रुपया मिलता था, हाँ 5 रुपया था, यही दिल्ली यही ताल कटोरा गार्डन, सॉरी मैं बम्बई में नहीं हूँ, यही दिल्ली यही ताल कटोरा गार्डन, ऐसे ही कुछ मौसम और कमली, जो होता क्या ना जैसे कि माहौल कि किसके लिए सरिया मोड़ दो, मम्मी को तो दोगे नहीं पैसा, तो बस कमली से शादी होगी, कमली से, कमली कौन थी, कमली एक राजस्थान की मजदूर थी, पत्थर उठाती थी यहाँ से वहाँ, तो बस इससे शादी होगी, इसके बाद यहीं कहीं झुग्गी डाल लेंगे फिर रहने लगेंगे, इसी सपने में तो पीछे से हाथ आ गया, और पापा कौन सी फिल्म आई थी उस साल, आगे जा चुकी थी शायद, नहीं शक्ति बाद की पिक्चर होगी, मैं बताता हूँ, रॉकी 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 हो चुका था, रॉकी हो चुका था, रॉकी हो चुका था,
फिल्म के हर डेट के मतलब उससे रॉकी हो चुका था। नहीं मैं साल पूछने वाला था, फिर मैंने कहा साल नहीं फिल्म पूछ लेता हूँ। मैं बताता हूँ, रॉकी आ चुका था, नाना पाटेकर राज बब्बर की एक इंसाफ नहीं एक और पिक्चर थी नाना पाटेकर राज बब्बर की। नाना पाटेकर बहुत छोटे से रोल में था, याद आएगा मैं बता दूंगा। कमली कहाँ मिल गई? हैं कमली, कमली वहीं मिली तालकटोरा में। तो वहाँ क्या करने गए थे? अब तालकटोरे में तो सरिया मोड़ते थे। अरे तो सरिया मोड़ने तो कमली की वजह से गए थे ना, कि पहले सरिया मोड़ा फिर कमली मिली? नहीं नहीं कमली को सरिया मोड़ते मोड़ते कमली मिली। इतना बड़ा वाला नहीं था मैं कि कमली की वजह से सरिया मोड़ने लग गया, मैं अपनी वजह से सरिया मोड़ रहा था भाई। उसमें कमली मिल गई, गॉड गिफ्ट। लेकिन उससे रिलेशन बड़ा अच्छा था, है ना। मतलब जब जब वो दूर होती थी तो सरिया नॉर्मल मोड़ता जाता था, और जैसे जैसे नज़दीक आती ना सरिया थोड़ा स्लो हो जाता था, बस इतना ही रिश्ता था। फिर एक दिन उससे पूछे कमली, नाम भी उसके थ्रू नहीं पता चला था, किसी और से पता चला था कमली का। थोड़ी सांवली सी थी वो, वही राजस्थानी लहंगा वहंगा। तो हम घर से खाना लाते हैं कमली, तो तुम खाओगी ब्रेड ऑमलेट टाइप चीज़ या पराठा सा, जो ज़्यादातर उस समय बच्चों को स्कूल के लिए दिया जाता था लंच इंटरवल के लिए वो खाना, और मैं अपना एक रुपये उसमें से चार रोटी और वो खाता था। वो दोनों साथ खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। खा लिया कमली, हाँ, और बीड़ी पीते रहते। मतलब भाव मियाँ बीवी का ही होने लग गया था, लेकिन बात नहीं थी आई लव यू व्यू टाइप नहीं। अच्छा वो वैलेंटाइन डे भी होता था उन दिनों, खर्चा बढ़ जाता अपना इधर बाप की तरफ अपना बीड़ी। अच्छा चलो, फिर कमली वहाँ से लेके जा रही है, अब ये देख रहे हैं हमारी कमली हमारा ही अंडा ब्रेड खाई हुई है। एक इमोशनल एक था, जहाँ काम करिए वहाँ भी माहौल बनाए रखिए। अरे हमको कोई जिंदगी थोड़ो चलानी थी, हमको वो स्कूल का टाइम वेस्ट करना, बस जितनी देर स्कूल था उतनी देर वहाँ रहते थे, उतनी देर वहाँ रहो और उसी को वेस्ट कर दो। मतलब और ये पाँच रुपये मिल जा रहे हैं, तो तकदीर में लिखा है लक्ष्मी का आना, तो क्या कर लोगे? बड़े होने पे थोड़ी कमाई होती, उसी समय से कमाई हो रही थी। लेकिन मुझे भागना था यार इन चीज़ों से। मुझे अभी भी तुम कहीं फंसा दोगे कि जाइए आपको पाँच साल की एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, फिर उसके बाद नासा से आपको मून पे ले जाएं। कभी नहीं जाऊं मैं पाँच साल की ट्रेनिंग, ऐसे ही भेज दो देख लेंगे मून क्या है क्या नहीं है। ये ट्रेनिंग लेके ना भैया ये पहने तो सांस रोको, गणित आज भी बैग में चिरकुट हो गया, बच्चे स्पेलिंग तक नहीं पूछते ना। तो कमली वो थी, और पापा थे, पापा थे, पापा तो कैसे पता चला पापा को कि सपूत यहाँ सरिया मोड़ गए? नहीं पापा देखिए मैं कमली के लिए नहीं गया था, मैं सरिया मोड़ने के लिए गया। नहीं मैंने कहा सपूत सरिया मोड़ रहे, मैंने नहीं कहा कि। लेकिन फिर कमली पति बनने की तैयारी नहीं आए थे, उनको मालूम ही नहीं था कि मैं मिल जाऊंगा, उनको कतई ही नहीं मालूम था कि मैं यहाँ मिलने वाला हूँ। वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे नहीं बने थे, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के मरने के बाद प्रधानमंत्री बने थे जी। वो राजीव गांधी आए थे, उनके साथ एक ऑफिशियल जो लोग होते हैं वो थे, शायद बन ही गए होंगे। और पापा जी का प्रवेश, हमको कोई आइडिया नहीं आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, सरिया मोड़ रहे मोड़ रहे मोड़ रहे। टू पालिका बाजार जानते हो? हाँ हाँ है? जब ये हुआ ना ये कांड, एक महीना का बोले हमको कि एक महीना से मोड़ रहे थे, 15 दिन बोल दिए जाके स्कूल में भैया 15 दिन पापा जी हम नहीं गए थे तो मेडिकल बन गया। अब प्रिंसिपल वाला लेबे ना करे, कहे 15 दिन का लाए तुमको 15 दिन का और लाना चाहिए मेडिकल। और उसके बाद भाई साहब फिर घर से भागे पैसा लेके 50 रुपये पालिका बाजार में ना, उन दिनों अभी भी बिकता होगा ऊपर पार्क जैसा और नीचे पूरा वो। हाँ। तो वहाँ पर वो बियर की बोतल काट काट के ना वो ग्लासेस बनाते हैं। अच्छा। हाँ 6 ग्लास और एक, तो उन दिनों वो 5 रुपये का एक सेट आता था, 6 ग्लास बियर का और एक थोड़ा बड़ा जो जार जैसा। 3 सेट लिए, पहाड़गंज स्टेशन मेरा फेवरेट, इस साइड फुटपाथ पर अखबार बिछाए गिलास रखे, 5 रुपये का प्रोडक्ट जो है 10 रुपये में बेचे। 3 सेट था, तीनों बेच के। और उस समय हम पापा जी को देखे थे, मेरे रमेश मामा के साथ जा रहे थे वो
संजय को ढूंढते तुर्रा लपेट के उधर पानी वाला, अब पता नहीं होता इन्हें दिल्ली में पानी वाला रेड़ी वाला होता दवा के पानी। हाँ हाँ, उसके रेड़ी के पीछे वो उधर गए, फिर बिच गया एक और सेट बेच करके 30 रुपये, 50 रुपये लेके भागे थे, 50, 60, 70, 80 रुपये मेरे पॉकेट में। फिर गए पालका बाजार अगले दिन सुबह सुबह, और वहाँ से फिर अब इस बार 6 लेकर के गए। वो सब ट्रिप था, शाम में जुआ खेलने ला करके, थोड़ा सा लेकिन लक अच्छा था, जीत जाते थे ये सब 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 पूरा कांड। वो जीना था लेकिन उस दुनिया से भाग के, बहुत लोगों को तकलीफ हुआ। बे पापा जी को तुम क्या सोच रहे हो, मतलब मामूली लगता होगा कि यार बड़ा बेटा सबके लाइफ में होता ना, इसको सेटल कर दूँ, कहीं एक जगह तो दे दूँ इसको, पाने ही के चक्कर में नहीं है जगह। लेकिन थोड़ा पीछे मुड़ के देखता हूँ ठीक था बे, क्या जी सौरभ जैसे जी रहे थे ठीक ही था ना, जियो मतलब अब ऐसे कैसे जी लोगे। मतलब ऐसा करते हैं कि अब संजय मिश्रा की जिंदगी में किनारे से मनोहर श्याम जोशी की एंट्री करवा देते हैं। मनोहर श्याम जोशी बड़े खूबसूरत आदमी है, बहुत लंबे सुदर्शन व्यक्तित्व, एकदम यार एकदम, और उतनी ही प्यारी उनकी वाइफ। बड़ा घरेलू था, मुझे गोल मार्केट से साकेत में रहते थे जी, साकेत जाना होता था कोई एक 216 या कुछ कोई ऐसी बस होती थी बिरला, मेरे घर के बगल से ही अपना नाश्ता उस्ता के उनके यहाँ, और मैं पूरे बस में ना मनोहर श्याम जोशी से बात क्या करूँगा। आज उन्होंने कल कहा था कि तुम अपनी तरफ से कुछ लिखे आना लिखना, और कहते थे हमने तुम्हारा कुंडली देखा है, तुम्हारे बाप को बोल दिया है शंभुआ को कि तुम्हारा लाइन बहुत अच्छा होने वाला, तुमको प्रूव ये प्रूफ कराना, तुम मतलब मेरी जिम्मेदारी हो गए, लाइबिलिटी हो गए। संजय मिश्रा मनोहर श्याम जोशी का यही था, कभी उन्होंने मुझे व्याकरण पर नहीं डांटा जो पापा जी ने डांटा। बड़ा यार मनोहर श्याम जोशी यार, जब बंबई में थे काम नहीं था, उनके कुरु कुरु सहाय सब पड़े हैं, एक हरिया हरकुलस की हैरानी क्या बात है यार, मतलब वो रोल करना चाहूँगा। हाँ शाबाश हरिया हरकुलस यार, कितना बढ़िया जोशी जी का सब कुछ, आप टटा प्रोफेसर लखनऊ में, लखनऊ कसब क्या सब और एक, और वो घूमते रहते थे इधर से उधर, और एक लिखने वाला टाइपराइटर पे होता था जो खटखट 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 लिखते करते रहते थे, और ये अपना चलते रहते थे। फिर उसने उनको सुनते ही रहो, कुछ राइटर्स को ना सुनते ही रहो, से किसी को पढ़ने में मजा आता है, किसी को पढ़ने में तो मजा, उनको सुनते ही रहते थे। एक दिन उनकी तरह बनना था मुझे, मनोहर श्याम जोशी की तरह, कि मैं भी कहानी बोलता चलूं और कोई टाइप करता। आप में से जो लोग इस नाम से वाकिफ ना हो, उन्हें मनोहर श्याम जोशी के साहित्य को खोज कर पढ़ना चाहिए, और हिंदुस्तान की टीवी इंडस्ट्री के जो दो बड़े शाहकार हैं, हम लोग और बुनियाद, वो मनोहर श्याम जोशी के लिखे हुए हैं, बड़े मशहूर टीवी सीरियल 80s के ड्रामा उस वक्त का और उसके पहले के वक्त का, और ड्रामा से दद्दा हमको उसका एक सुन ले। मनोहर श्याम जोशी ने मुझसे कहा था तू लिखने में बहुत स्लो है, ठीक है एक ऑडिशन लेना है सीरियल का, तू जा करके ले सकता है तो और हम भी ड्रामा स्कूल से निकले थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लेकिन एक्टिंग मुझे बिल्कुल शौक नहीं था कि जाऊंगा कब। आप रंजीत कपूर का पानी लेके आते रहे सब, तो सब पान, हाँ वही सब, इसी सब में लग गया था। तो उन्होंने कहा एक ऑडिशन लेना, ऑडिशन में शाहरुख खान आए थे देने ऑडिशन, उनकी एक दोस्त थी कहीं, एक मेरा फ्रेंड भी है एक्चुअली, आप उसका इंटरव्यू ले लेंगे, तुम ले लोगे, आप ऑडिशन ले रहे हैं? हाँ ऑडिशन का जो करना करते भाई, मुझे खाली लेके जाना है कैसे। हाँ हमने कहा लेट हो जाएगा यार अब ज़्यादा, तो उसने शायद ऑडिशन दिया था या नहीं दिया था शायद, लेकिन वो था कुछ था ऐसा। एक शाहरुख के बारे में कितना बढ़िया बात पता चला, उसका बैकग्राउंड देखो ना, कि कैंटीन में चाय की दुकान, चाय का काम फादर का, उनके पिताजी का, सारे पुराने एक्टर्स वैक्टर्स अलका जी इन लोगों से मिलना जुलना। हाँ तो NSD कैसे पहुंच गए, मतलब सरिया मोड़ रहे हैं कमली से, कमाल मोहब्बत कर रहे हैं, महुआ भेजा गया हमको, महुआ एक जगह है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, हाजीपुर महुआ वैशाली, वहाँ भेजा गया कि जाओ
बिहार में जा कर के जिस अक्षय भट्ट महाविद्यालय में मेरा नाम लिखवाया गया, तो तुम्हारे ही गांव के तरह उरई के तरह वहाँ भी उरई टाइप ही लोग, हमको प्रिंसिपल से नहीं मिलने जाना पड़ा। आइए गुप्ता जी, ये हैं डॉक्टर साहब के भतीजे, आपको रोज़ इनको लेकर के जाना होगा कॉलेज। सीधे प्रिंसिपल ही के साइकिल पर बैठ के जाते थे हम। हाँ बड़ी इज्जत, कुछ दिन तक तो बड़ी इज्जत, उसके बाद देखेगी तो लौंडा लपू झंडा टाइप है, तो गाना लेकर उन दिनों वो लिख रहा था पिक्चर, धूप में निकला न करो रूप की रानी, तो वो गाना मैं पूरे कॉलेज के लिए ग्राउंड में गाता था, गोरा रंग काला न पड़ जाए। और पापा जी, और जो मिले बिहार में कहाँ है जी, इन लोग यहाँ से दिल्ली 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 जाता है पढ़ने, तुम दिल्ली से यहाँ पढ़ने आए हो, तो फिर अपना वो सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट मिल गया सब ले जमा करके, जमा करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ऐसे कैसे लोगों की तो एड़ियाँ घिस जाती हैं, पता नहीं कितनी कितनी हसरतें लिए मंडी हाउस के उस गोलंबर पे। पता नहीं, मेरे ही बैच का विनीत कुमार, विनीत भाई मैं उनको बोलता हूँ, 3 बार इम्तिहान दिए रहे, नहीं हुआ उनका, 4थी बार में हुआ मेरा, पहले ही मैं पहला गोल्ड में आ गया भैया, टॉप किए थे। क्या देख लिया, तो कुछ थिएटर किया था क्या आपने उसके पहले? वही महुआ में, यही सब, ऐसा कुछ नहीं कि सीरियस गंभीर, यही धूप में ना निकला करो, धूप ना निकला करो कहीं मंदिर में, वो चल गया है आज सत्यनारायण कथा है यहाँ पर, सब हुआ गया, आप संजय जी, तो अपना छोटा छोटा नाटक लिख करके, अपना ही कुछ छोटा सा करके, वहीं पर अकेले बहुत पत्थर गाली भी खाए, मारे गाली भगा, क्या कुछ भी बोल रहा है, किस कुछ भी चीज़ पर ऐसा 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 बना करके करते रहते थे 3 साल। अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने गए थे, अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ गए थे कि लड़ने गए थे 84 मतलब 84 इलाहाबाद से, तो फिर क्या पिताजी ने बताया था कि स्कूल ऑफ ड्रामा है कि पता था पहले से? थोड़ा पता था, ऐसा भी नहीं कि लिखलोड़ा पर पत्थर थे, थोड़ा पता था, लेकिन ये नहीं पता था कैसे जाएंगे। तो फिर वहाँ मुझे जो कुछ लोग थे, फिर 1 महीना मंडी हाउस आके घूमते थे, एक राकेश शर्मा थे हमारे सीनियर, उनसे बड़ा कि सर बताइए ना कैसे, उन्होंने फिर कहा जाओ जाके नाटकों को देखो, नाटक का होता है समझो, आधे अधूरे देखा, मोहन राकेश और मनोज पावा और सीमा पावा को परफॉर्म करते देखा था, लगा से ये नाटक कर रहे हैं क्या, अभी अपना ही बोल रहे हैं या बाद में होगा नाटक, ये कुछ अपना ही बोल रहे हैं, जो मेरे जो महुआ में हम लोग कीर्तनियाँ करते थे उससे बिल्कुल अलग, कोई ड्रामा नहीं, ड्रामा लेकिन ड्रामा नहीं, और यहाँ कोई ड्रामा नहीं लेकिन खूब ड्रामा ढपा ढप, ये वो करना होता था। फिर किताबें दी उन्होंने पढ़ने के लिए, शाहरुख खान भी उनके पास जाता था, राकेश शर्मा के पास, वो अलग ही एक्टिंग करते थे, अपने को बेल्ट से मारते थे दौड़, लगा कि कहाँ एडमिशन ले रहे हो बे, बेल्ट से मार के एक्टिंग कर रहा है यार ये आदमी, जब हो गया तो बड़ा दुख, क्यों हो गया यार एडमिशन। किसने लिया था इंटरव्यू? बहुत सारे लोग बैठे थे, कोई ध्यान है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं, बज्जू भाई थे, मोहन ऋषि थे, काफी लोग थे, अंकुर जी लोग थे, देवेंद्र राज अंकुर थे, रामगोपाल बजाज, एक सुरेश अवस्थी थे, सुनो एक किस्सा बताएं। हाँ सुरेश अवस्थी उस समय कुछ थे चेयरमैन, कुछ थे वो थे, और उनका एक नीचे कमरा होता था सुरेश अवस्थी लिखा हुआ, लॉबी है, कभी गए हो गए एनएसडी में ना, तो ऐसे एक लॉबी है, तो राइट हैंड पे लाइब्रेरी डायरेक्टर सुरेश अवस्थी, और हम लोग को एक कविता गीत दी गई थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जिसका था कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। पर ये तो भवानी भाई का है? नहीं नहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अच्छा हाँ भाई तू मेरे से शर्त मत लगाइयो, क्योंकि मैं भी नाम में वैसे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नहीं नहीं ये गीत फरोश का है ना, ये तो भवानी भाई का है ना, तो शायद उन्हीं का रहा होगा। जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ, किस्म के गीत बेचता हूँ। दाम बताइए, काम दिखाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भवानी भाई का है। जिनका भी हो, चलो आज भवानी भाई के लिए कर देते हैं, समझे? तो भवानी भाई का अपना सब हो रहा, भवानी भाई का, और बार बार सुरेश अवस्थी, शायद इसीलिए एडमिशन भी हुआ मेरा, सुरेश अवस्थी। वहाँ गए तो वो कविता याद है आपको, पूरा बैठा हुआ है लोग, जी हाँ मैं आपको सुरेश अवस्थी की एक कविता सुनाता हूँ, तू अभी सर्वेश्वर दयाल और भवानी भाई लड़ रहा है, यहाँ
सुरेश अवस्थी घुस गए बे, सुरेश अवस्थी की कविता सुनाता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के सुरेश अवस्थी भी गए कागरू कई भावा के मेरा कंट भी सुरेश। और कोई आपको सुरेश अवस्थी की कविता याद है? सुरेश अवस्थी की, अरे घंटा सुरेश अवस्थी के खानदान में, यही मेरा लाइन था, खानदान में कोई नहीं लिखा होगा कविता। अब ये भी नहीं मालूम कि इडियट वही बैठा है सुरेश अवस्थी। घंटा सुरेश अवस्थी के कोई, ये सर्वेश्वर दयाल जी की या भवानी प्रसाद जो भी। मानचित्र पर पूछे कहाँ, तो बनारस बनारस पटना, पटना वाला बाजू है पटना कहाँ पड़ता है जो, उत्तर प्रदेश वाला पटना होगा सर, गलत हो गया आपका मानचित्र, हमारे हम लोग के मानचित्र में पटना हमारे बिहार में पड़ता है भाई साहब। अच्छा अच्छा, यही सब इंटरव्यू हुआ। हाँ, और पता नहीं कैसे क्या हो गया, क्यों हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, कुछ चीज़ें पूछी नहीं जाती। क्या कांड किए वहाँ तीन चार बरस में? तीन चार बरस में हमने कुछ नहीं कांड किया वहाँ, कांड तो मतलब रोजे का था। एक पिक्चर थी बेवली हिल्स कॉप, एकदम कमर्शियल, एडी मर्फी, हम और तिशु, ऐसी इंग्लिश पिक्चर साकेत वकेत की तरफ ही लगती थी। हाँ, इधर नहीं लगे, अनुपम में, अनुपमा कुछ अनुपम, अनुपम अनुपम में वहाँ जो पिक्चर उक्चर देख के आ रहे थे, बस बस में टाँट 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 टाँट, बस जाना है कमरे में, खाना खाना है और सो जाना है, टाँट टाँट। तो मालूम चला सीमा विश्वास अपनी एक्ट्रेस, हाँ, उनको किसी बस वाले ने कुछ गड़बड़ छेड़ा था। सीमा आपकी बैचमेट थी कि रिपेटरी में थी? सीमा तो रिपेटरी में रही होगी, रिपेटरी में। हाँ, सीमा दी तो किसी ने कुछ छेड़ा उड़ा होगा, उत्तरी सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर आठ, कोई बस आए सीमा जी ये तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सीमा जी 216 आ रही है, ये तो नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं है। सीमा जी ये तो नहीं है, उनको तीन चारों के बाद लगा बोली दूंगा यही है। तो कोई बड़ी मार पिटाई हुई थी, बस वालों ने हमें बड़ा मारा, एक बस रुकी क्या, सब बसें आ गई थी धार धार, डीटीसी वालों ने जो मार के भगाया। लेकिन जब जेल जाने की बारी आई, हम होते सुख सक लिए गौरव, बाकी राजेश वाली हो जो यूनियन टाइप लोग गए जेल में, बड़े कांड करते थे, निकाल दिया गया था स्कूल से। क्यों निकाले गए थे? पॉलिटिकल कुछ अपना रहा हुआ कारण, स्कूल का पॉलिटिक्स, जहाँ हर जगह पॉलिटिक्स है। बताया गया अटेंडेंस कम है आपका, जबकि ऐसा कुछ था नहीं शायद। अच्छा। एक कमाल डायरेक्टर थे रतन थे हम, उनके खिलाफ कुछ एक साजिश रतन थी हम, हाँ रची गई थी जिसमें मुझे निकाला गया था। रतन थे हम बहुत मानते थे हमको, हमको मालूम भी नहीं था कि आज ऐसा भी होने वाला है। लेकिन मेरे एक विनीत भाई हैं, वो सुबह ही कहे, कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि कुछ ये है तो कुछ वो है, कुछ वो है कुछ वो है, और सुबह वो बोल के गए, फैलने लगे थे वो सुबह, फैल रहे थे, उनको पता था। हाँ, उनको पता था कुछ लोग, अब देखते हैं क्या होगा, कुछ लोग करके क्लास में बोल के गए थे। अनुराधा कपूर एक हमारी टीचर थे, उनके क्लास में कोई मतलब डांट देती थी, उसमें विनीत भाई घुस के लेट आए थे 10 मिनट, उसके बाद बोले, और दोपहर में हमको मालूम चला कि हमको निकाल दिया गया। दो चार लोगों से पढ़वा के कंफर्म करवाए, भैया हाँ हाँ निकाल दिया गया, निकाल दिया। अबे कैसे निकाल दिया गया, क्या निकाल दिया गया, पूरी क्लास खड़ी हो गई मेरे साथ, पूरी क्लास की, कैसे क्यों किधर क्या क्या क्या, तब मालूम चला कि ऐसी सी कुछ कहानी है और आपको निकाला गया। सेकेंड ईयर था मेरा, वहाँ पर भी गुड्डू का साथ था भाई का। क्या इरफान, इरफान सीनियर थे? हाँ इरफान सीनियर थे हमसे 2 साल। लेकिन देखो लोग कहते हैं ना इंस्टीट्यूट जाओ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, हमारा था कि पेन कॉपी से दूर रहो, लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे नाटक हैं पढ़ो, और जो आपके सामने नाटक घूम रहे, ईशान भाई है ना, विपिन शर्मा, इरफान भाई, खुद मेरा क्लास में विपिन और इरफान, नहीं विपिन सीनियर है, विपिन का बैच फिर इरफान भाई का, अब इतना ना पता ना, लेकिन इतना मालूम विपिन सीनियर है। अच्छा ठीक है ना, दीवार पहले आई थी बाद में शोले, नहीं पहले शोले, तो विपिन शोले इरफान भाई दीवार, ऐसे ऐसे टाइप के, और बहुत बढ़िया माहौल था ड्रामा स्कूल का, ऐसा ही होता था माहौल और सब कुछ।
तिशु थे सबसे बगल में, हर तरह के विनीत थे जो भाई मानते थे, छोटा भाई। पापा जी एक गलती किए थे मेरे कि ऐसे मत देख, गलती नहीं विनीत, ये तुम्हारा ही छोटा भाई है, आप छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, हम संभाल लेंगे। उसके बाद से आज तक कोई इज्जत ही नहीं किए विनीत भाई, चुप, इनके पिताजी हमको बोल के गए हैं पहले को, आज तक ये बैचमेट से तो ऐसा रिलेशन। कैदित था, समझदार, पढ़ा लिखा। हम उस समय तक बम्बई कभी नहीं आए थे। बम्बई कैसा दिखता है कैनित? अरे नॉर्मल नॉर्मल, उधर खोली है, उधर ये है, उधर वो है, ये सब बम्बई की जानकारियाँ कैनित देता था। नवनीत, निशान, उनका एस्थेटिक सेंस बहुत बढ़िया था, मतलब जो वो पहने, जो जिस तरह की चीज़ों को वो पसंद करे, तो वो आपको एक निगाह में गई कि देखो खूबसूरत क्लास, खूबसूरती। वहाँ से तिग्मांशु धूलिया के भाई लोग, बड़े भाई लोग अच्छी अच्छी फिल्में देखते थे। तिग्मांशु उंगली पकड़ा के लेके जाता था कि चलो ये बढ़िया फिल्म देखो। अबे तिशु क्या दिखा रहे हो यार, ये तो बहुत बोरिंग फिल्म है यार, उसकी रोटी दिखा रहा है, तो कौन पिक्चर, तो कौन पिक्चर, तो वो क्या वो कुमार शाहनी वाली फिल्म दिखाते थे क्या? मतलब दोनों पिक्चर दिखाता था वो। अच्छा, दोनों सबके दोस्तों के बीच एक दोस्त बड़े अतरंगी थे, शिव कुमार शर्मा। अरे शिव कुमार दोस्त नहीं थे, वो शायद विपिन से, इरफान से सीनियर थे। अच्छा। वो पूरे मंडी हाउस में बड़े अतरंगी थे। हाँ। उनकी ऐसी ऐसी कहानियां जो बताते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद वहीं चपरासी को लिए अप्लाई कर दिए। सोच, शिव कुमार शर्मा जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले और वहीं चपरासी के लिए अप्लाई कर दिए। वो कैसे कैसे बात कर रहे हो शिव कुमार, तुम यहाँ से निकले हो, यहीं चपरासी कहे, तो मतलब हम चपरासी भी नहीं बन सकते यहाँ से निकल के। कुछ अलग ही कैरेक्टर था वो। पेट्रोल क्यों दिया था आपको? पेट्रोल दिया था, इसी कांड में फंस गए थे ना कि सब लोग स्ट्राइक करेंगे, हंगर स्ट्राइक, और वो चलता रहा, काफ़ी महीनों चलता रहा। मैं देखूंगा उसका फोटो भी तुझे दिखाऊंगा मैं, हम टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में कहीं छपा था, मैं तीसरे सब लोग लेटे पड़े हैं। क्या इतना तो महीनों चल जाएगा बेटा, ये ले पेट्रोल पकड़। मिश्रा इधर इधर इधर। हाँ शिव भाई क्या हुआ? सुन तो देख, ये पेट्रोल है, देख ऐसे करेगा तो महीनों चलेगा, क्या फ़ायदा? ये उठा डाल, माचिस देना जला। शिव कुमार भाई क्या बात कर रहे हो यार, मैं जल जाऊँ मतलब? हाँ हाँ, अरे बात बवाल हो जाएगा, तुम समझो समझो, शायद वो स्ट्राइक तोड़वाने आया था। हम भागे भे, देख भे, कह रहे जल जाओ भे, अबे इका है भैया, कौन है भैया, फंसा देगा शिव कुमार शर्मा। बहुत 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 बहुत, दो दो सौ रुपये मिलते थे घंटी बजाने के, मुझे और निर्मल पांडे हमारे साथ थे, स्वर्गीय निर्मल पांडे, दोनों को लेके गए थे। 300 रुपये मिलेंगे, चलना रेडियो स्टेशन, वहाँ कोई गा रहा वहाँ बजा देना, टुन 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 रिदम अच्छा, तो टुन टुन, तो हाँ हाँ, 24-25 रुपये दिए, बाकी सब अपने ही रख लिए हम लोगों को। हम लोग 24, बहुत तेज, उनकी तो कहानियाँ मैं बता नहीं सकता तेरे को, मतलब खुल के हमारे कहानियाँ तो दादा इतनी हैं कि मैं आपसे 24 घंटे लगातार बात, मतलब पूछो हमारे आजू बाजू वाले से, ऊपर वालों से पूछना ना शिव कुमार के बारे में किसी से कि शिव कुमार क्या था। और इतना फनी सा चेहरा ना। हाँ, कहाँ है आजकल वो? दिल्ली में ही होंगे। फोन आया था एक बार मेरे पास कि एक मेरा दोस्त फिल्म बना रहा है, संजय तू ऐसा कर आ जा, ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड। क्या ऑन बोर्ड? मेरा सेक्रेटरी है, बातचीत करेगा नहीं तो सब कुछ। सेक्रेटरी बोले सर भूल के देखना भी मत उधर, वो तो आप ही से पैसे लेके पिक्चर बनाएगा, ऐसे वाला थे शिव कुमार। अच्छा एक चीज़ होती है, सीताराम था एक, अरे क्या बात है यार, क्या क्या कैरेक्टर थे। ये लोग जा रहे हैं कहीं टूर पे जाते थे ना महीने भर का, 3 साल में एक बार हम लोग जैसे केरला गए थे, मणिपुर जा रहा जी, था तो अपना अपना क्वार्टर रख के रहते थे लोग। अब सब थिएटर के स्टूडेंट, अब ट्रेन रुकी है समझे, तो अपने दोस्तों से बचा के ना खिड़की के बाहर निकाल के क्वार्टर से बना रहे, और वही पुलिस वाला खड़ा देख रहा है, सामने ही देख रहा है, दोस्तों से छुपा के पुलिस वाले के सामने क्वार्टर बना रहे। बना तब तक, हाँ भाई क्या पी रहा है तू, क्या पी रहा है भाई? कोको कोला है सर। सौरभ देखना क्या है, सौरभ ने पिया कोको कोला है सर। तू देखना भाई क्या है,
कोको कोला है सर। अरे तू देख भाई तू देख, कोको कोला था सर, खत्म। ये सब कांड ड्रामा स्कूल के। ये एक आदि पोचा का सीरियल था, हम मुंबई नहीं जाएंगे। आदि पोचा का नहीं था, वो तिग्मांशु धूलिया का था। बी आई टीवी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, शेखर ने प्रोड्यूस किया था। शेखर ने प्रोड्यूस किया था, बी आई टीवी नया ने दिल्ली में बहुत से जर्नलिस्ट उसके लोगों ने पिक्चरें बनाई हैं। शायद सुभाष कपूर भी बी आई टीवी में ही थे उस समय। अच्छा। था उसके लिए वो सीरियल बना था, हम बम्बई नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक एनएसडी से निकलने के बाद का यक्ष प्रश्न होता है, मुंबई जाना है। उसमें आर्ट डायरेक्शन हम करने लग गए थे। त्रिशु जिसको रखा था वो अच्छा था, लेकिन त्रिशु ने कहा यार मिश्रा तेरे को कमी नहीं लग रही है एनएसडी की? नहीं, हाँ यार तो तू करेगा? मैं करूँगा यार, बिल्कुल करूँगा। उसने मुझे, त्रिशु ने पूरा सपोर्ट दिया और मैंने पूरा आर्ट डायरेक्शन किया उस पिक्चर का, उस पूरे एपिसोड्स का। हाँ, और एक्टिंग भी कर लेते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। मेरा बेस्ट क्रिएटिव डेज था वो। फिर मुंबई पहुंच गए, हम मुंबई नहीं जाएंगे, पर बम्बई में रह के ही हम बम्बई नहीं जाएंगे। अच्छा, वहाँ बना रहे थे, दिल्ली में नहीं? दिल्ली में नहीं थे। त्रिशु छोटे छोटे सीरियल्स करता था, अच्छा सीरियल था वो, बहुत बढ़िया कूल था। तो चूंकि समय की कमी है, आपकी फिल्म आई है कामयाब, कामयाब है ना, बहुत सारी बात हो रही है कैरेक्टर एक्टर्स पे, इन सब पे। तो मुझे ऐसा लगा कि सिनेमा पे तो आप और भी आएंगे, पहले भी आए हैं और हम हमेशा बात करेंगे, पर एक संजय मिश्रा कामयाब हुआ है तो उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उस पर बात की जाए। इसलिए हम भट्टाचार्य जी से लेके और पिताजी और सब, सब, गुड्डू सब, और टिशु, इन सब पर इतनी विस्तार से बात कर रहे हैं। पत्नी, बच्चे, लम्हा और पल, बहुत प्यारे नाम है बिटिया। हाँ, क्रिटिक्स, हाँ। क्रिटिक्स मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं यार, मतलब आज से नहीं, गोलमाल के टाइम से, थोड़ा और पहले से, कोई भी छोटा सा रोल होता था तो काफ़ी लिखते हैं मेरे बारे में। जो आई डोंट नो, बोलते हैं ना कि प्रेस को पैसा खिलाओ या ये खाना पीना खिलाओ तो अच्छा लिखते हैं अपने। अच्छा, ऐसा होता है? होता ही होगा कि भाई आप आइए हमारे साथ, खाना खाइए, अच्छा लिखिए, हर एक को होता है। लेकिन अपने बात तो ना उतना पैसा कि प्रेस खिला पाए ना कुछ, लेकिन ये सब लोगों का साथ रहा। जो तुम बार बार कामयाब, अभी शुरू, मतलब मैं नहीं सोच रहा हूँ कामयाब, मतलब कामयाब अभी है। कामयाब का मतलब कुछ और होता है शायद, ऐसा कामयाबी ढूंढने का। ये तो ठीक है कि लोग आपको आपके काम से अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो अप्रिशिएशन तो मुझे बंटी बबली में भी मिल गया था, वाह क्या किया तुमने यार, उसी का एक थोड़ा बड़ा रूप है। लेकिन कामयाब सब कुछ सुकून वाला होना चाहिए, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ सुकून है, मैं कामयाब हूँ जहाँ रह रहा हूँ, मतलब हर चीज़ में। बड़ा डरावना लगता है ये सब, जब आप टेलीविज़न देखते हैं, इतना खूबसूरत देश है, सब कुछ है, जिसको चलाना है चलाओ, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ना, अपने लोगों से जाना जाता है देश हमारा, सचिन तेंदुलकर से जाना जाता है देश हमारा। जो लोग आगे बढ़ के काम करें वहाँ थोड़ा, तब ये कामयाबी मिले तो समझ में आता है ना कि हाँ भाई, बाकी तो ठीक है, अपने लिए कामयाबी ठीक है, उसको ठीक है। सब लोग हैं, एक एक लोग हैं इसके पीछे, एक एक लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी नकारा नहीं कि तुम, वो टीचर भी है जो मुझसे कहता तू भी पान खाइयो, मैं भी पान खाऊंगा, और तू खाई के पान वाला गाना सुनाना। केंद्रीय विद्यालय बनारस, केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट। अच्छा, गोल मार्केट, गोल मार्केट बनारस का नंदलाल भी है, संजय ठाकुर भी है, हर कोई है, एक एक इंसान है यार। दादा, एक कामयाब में सीन है, आपने उसमें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल किया है और आप एक स्कूल के फंक्शन में हैं और एक लंबा सीन है 8-10 मिनट का, है ना, आप अलग अलग रोल कर रहे हैं लोगों को वो, और फिर एकदम से स्पॉटलाइट घूम जाती है क्योंकि हीरो आ जाता है। लेकिन जब हम कामयाब के पीछे की कहानी देखते हैं तो हम देखते हैं कि शाहरुख खान और उनकी कंपनी कैसे बढ़ चढ़ के इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इन दो ध्रुवों के बीच का सफर करवाइए। कामयाब सुधीर की कहानी, कामयाब मेरी कहानी नहीं है। कामयाब
उस बंदे की कहानी है जो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, जिस उम्र में आ गया है वो, कि मुझे अपनी एक सिर्फ अपने लिए पहचान बनानी है। और वो पूरी कोशिश जान लगा देता है कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं दवा भी बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ भी करूँगा, मैं किसी तरह अपनी एक पहचान बनाऊँगा। कामयाब होना उसको सारा जतन कर लिया, लेकिन अंत में फिर वही होता है। आज मेरी फिल्म के साथ कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है, मेरे हॉल में 14 लोग हैं, उधर 200 लोग हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो कोई और हो जाता है ना। हम लोग तो लगे हुए, और हम लगे क्या, हम सब अपने इंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन क्या है, सब इसी पे तो जी रहे। अब शाहरुख खान क्या है कि शाहरुख खान खुद एक सुपरस्टार, वो एक कैरेक्टर एक्टर की पिक्चर को आगे बढ़ा रहा, प्रमोट कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा, उसकी वाइफ प्रोड्यूस कर रही, ये बहुत बड़ी बात है। ये उस बंदे की सेंसिटिविटी को रखता है कि देखो कैसा, मतलब उसको लगा वो उसने भी एक फिल्म की है ओम शांति ओम, हाँ। जिसमें वो वही साइड एक्टर ही बना हुआ, तो साइड एक्टर्स के लिए उसका एक है सॉफ्ट कॉर्नर। शाहरुख को बताया आपने तुम ऑडिशन देने आए थे? हाँ हाँ, हम लोग काफी बात करते रहते हैं। हाँ हाँ, हाँ। उसको याद है बहुत हर चीज, तो मंडी हाउस में तो घूमता रहता था, मैं एनएसडी में था वो बाहर था, उसकी भी एक ललक थी एक्टिंग की, सब कुछ था। अब वो भी तो देखो ना कैसे 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 सीरियल वीरियल करते 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 क्या किया है, वो क्या किया है, आप पीटे हो उसको एक फिल्म में? कौन सी फिल्म में? दिल से में। हाँ। दिल से में गलत कास्टिंग थी भाई, कौन हमको लेगा खलनायक की तरह उस समय, मतलब उग्रवादी बना था मैं। हाँ। इन क्या काम, कमाल काम, बहुत अलग बंदा यार वो। उसको ना एक्शन वक्शन सब आपको बताता था, संजय देख अगर मैं तुझे मारूंगा ना एक साउंड कर दियो, मैं साउंड करूंगा तुम ऐसा ऐसा, तो लगे कि पड़ा है क्या, और मारो। उसको पता चलता है कुछ की बहन, उसको लगता है कि मनीषा कोरेला हम लोग की कुछ गड़बड़ रिश्ते हैं। जब उसको पता चलता है कि बहन हमारी जान धुनाई करता है, करते हैं हम लोग उसकी, और मार खा रहे बहन ढा ढा, कमाल कमाल कमाल। जो भी आज तक समझ में नहीं आया, दिल से जो फिल्म है ऐसे बॉक्स ऑफिस बताई जाती है उतनी नहीं चली, उस फिल्म का एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग, गाने, मतलब वो डीटीसी की भाई, डीटीसी की बस में प्रीति जिंटा बर्गर खाती है और आगे के दांत में एक थोड़ा सा पत्ता गोभी का टुकड़ा है, एंड व्हेन शी सेज आर यू वर्जिन, और वो जो चौंकता है शाहरुख खान, मतलब वो एक एक आधुनिकता की नई दस्तक दस्तक, और वो जो वो बोलता है मुझे सबसे खूबसूरत लगती हैं तुम्हारी आंखें, वो जो ट्रेन में सुना रहा है कि क्या हुआ था, ग्लास में गिरा रहा है कुछ रेडियो स्टेशन में अमर वर्मा, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, एकदम पोएट्री थी फिल्म। लेकिन मुझे उस समय क्या लगता है था गड़बड़ क्या हुआ कि उसका प्रमोशन चल छैया, मतलब ऑडियंस को लगा एक और बाजीगर आने वाली है, बाजीगर उसका प्रमोशन, शायद उसको प्रमोट ऑडियंस गई थी कि मैं शाहरुख खान बाजीगर वाला देखने जा रहा हूं। हाँ, लेकिन स्टोरी ऐसी होगी उसको नहीं पता चली थी। लेकिन तुम जैसे कुछ पिक्चरें हैं, जैसे मेरा नाम जोकर, वो फिल्म कल्ट फिल्म है यार। आज कामयाब क्या है, मेरा नाम जोकर, उसमें एक जोकर की कहानी है, इसमें एक साइड एक्टर की कहानी है। कागज के फूल क्या है, सब अपने ऊपर बनी हुई फिल्में हैं। एक आखिरी सवाल जी भाई, इस बार की बैठकी का जी, बाकी अपन जहां खत्म कर रहे हैं वहीं से शुरू करेंगे अगली दफा। हाँ। फिल्म में एक सीन है कामयाब में, कामयाब में, जिसमें आपको बताया जाता है कि IMDB पर हमने देखा है इतनी फिल्में हो गई हैं तो इतनी, और आप उसको IMBD बोलते हैं, IMBD। हाँ। मेरा सवाल यह है संजय मिश्रा जी आपसे कि
ये जो डिजिटल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इसमें क्या होता है कि हम नौजवान रोल के लेंथ से ज़्यादा कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है तो इसके बारे में और गूगल करें और खोजें, एक किस्म का स्ट्रक्चर टूटा है जो पुराना था। बहुत सारे गेट कीपर्स थे कि स्पॉटलाइट इन्हीं पर रहेगी, अब हमें खोज खोज के हमें याद हैं कि अच्छा आपने इसमें ये किया था, उसमें वो किया था, और IMDB का जैसे जिक्र है कि उसकी वजह से हमारे पास एक अलग किस्म की पहुँच है। आपको लगता है कि इस वजह से ये जो इंडस्ट्री के सो कॉल्ड करेक्टर एक्टर्स हैं, हाँ, जिनके हिस्से उतनी लेंथ नहीं आती, लेकिन अब उनके काम को जनता रिकॉग्नाइज भी कर रही है, याद भी कर रही है, और वो कनेक्ट अलग है? जी जी बिल्कुल। देखो, एक तो जो ये साइड एक्टर्स थे ना पहले, अब ऐसी फिल्में बनती नहीं है। अब कैरेक्टर एक्टर्स पर ही, या कैरेक्टर एक्टर्स जो पहले थे, अब कैरेक्टर एक्टर्स पर ही फिल्में बनने लग गई। कामयाब एक कैरेक्टर एक्टर पर फिल्म बनी, आंखों देखी का एक 65 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग है उस पर फिल्म बनने लग गई, तो अब वो कम हो गया। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि डिजिटल की वजह से ना सब कुछ आपकी नज़रों के सामने, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि अभी मैं पता कर लूँगा कि भोपाल में फिल्म लगी है तो कितने सीट भरे हुए, तो ये चीज़ें तो और आसान है ना कि जानना, यार उस पोर्शन को आप डाल देते हो यूट्यूब पे, उस एक्टर के उस पोर्शन को, अगर कुछ भी हो, आपकी बहुत सारी फिल्मों के बहुत सारे सीन अलग से पड़े हुए हैं, क्योंकि अब यूट्यूब एक नया चैनल है कि आपको संजय मिश्रा या विजय राज या राजपाल यादव या जॉनी लीवर का कोई सीन देखना है तो पूरी पिक्चर बैठे मत आइए, ये ले लीजिए बेस्ट रोमांटिक सीन ले लीजिए। तो आज का युवा हर कुछ निकाल के रख लेता है, जो तुम बोल रहे हो जो डिजिटल मामला है, और ये बढ़िया चीज़ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब या तो आपके बाप दादा या माँ पिताजी यही लोग ख्याल रखें कि भैया सौरभ ने कितना इंटरव्यू लिया, क्या लिया, कैसे। अब एक IMDB एक जगह है जो बाप दादा को रखना चाहिए, हमारा पूरा लेखा जोखा बही खाता वो रख रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब सेवा भाव, एक है एक जगह है जहाँ, और सिर्फ हमारा ही 5 लोगों का नहीं रख रहा है, सबका रख रहा है। आप सब कुछ जान जाते हैं। हम लोग आजकल क्या हो गया कि कौन है कास्टिंग में, सर वो पंकज पांडे, कौन है पंकज पांडे, अच्छा हाँ, थोड़ा 30 साल पहले जब बुलाओ पंकज पांडे को भी पंकज पांडे आएंगे, या कोई कागज का फोटो निकालो दिखाने के लिए, अब तो सब कुछ ये सर देखिए, बहुत आसान हो गया है। अब देखो ना, जो छोटे छोटे कैमरे से लोग मूवीज बनाने लग गए, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म खुला है। और दूसरी चीज़, इस तरह की फिल्म, कामयाब जैसी फिल्म थोड़ी भी अगर निकलती है, 5 पैसे का 15 पैसा कर लेती है, तो ऐसे कितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स निकलेंगे यार, हार्दिक की तरह कितने अच्छे एक्टर्स निकलेंगे, कितने अच्छे म्यूजिशियन निकलेंगे, कितने अच्छे कैमरामैन निकलेंगे। बहुत कुछ गेम बदल रहा है और बदलता जाएगा, जरूरत ही नहीं है सेंसरशिप की। आप हर दफ़ा लल्लन टॉप आते हैं और हमारा जीवन थोड़ा सा और समृद्ध हो जाता है। अरे भाई, तुमसे मैं बहुत बसता हूँ, ये रुला देते हो तुम कभी कभी, ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हो ना। लेकिन आज मैं सोच के आया था कि कहीं रोऊंगा नहीं, रोता नहीं हूँ, वो एक आप उस दौर में चले जाते हैं ना, तेरे कोई सवाल वैसे वाले तो नहीं है, बताइए क्यों किया था आपने कहा था भाई, गलती हो गई मेरी, गाड़ी ला दे भागू। तो बातचीत करते हो और मज़ा आता है एक दूसरे से बात करने में। इसने अपने चचा की मामा की स्टोरी सुनाई हमें। अरे वो कैमरे के लिए नहीं है। नहीं, कैमरे के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो आप कम से कम लल्लन टॉप के सौरभ भाई देखते हैं लल्लन टॉप? क्यों नहीं अच्छा, क्यों नहीं, वक्त मिलता है तो मैं तुम लोग जो लिखते हो वो भी पढ़ता हूँ, क्यों नहीं देखूंगा यार। कुछ चीज़ें तो हिंदी में जो काम अच्छा हो रहा है ना कहीं। थैंक यू, ठीक है गुरु, आज के लल्लन टॉप अड्डे में इतना ही, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए तेवर के साथ। अच्छा, आप बोलना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं मुझे लगा ठीक हो गया खत्म, सॉरी। नहीं नहीं, हो ही गया है, पर थोड़ा एक फॉर्मल रुखसती भी कर लें, आप ही कर दीजिए। दी एंड नहीं हुआ है, आगे भी कई एपिसोड्स हैं,
कुछ अच्छे लोग आएंगे, दिलचस्प बातें करेंगे, एक और नई किताब खुलेगी लल्लन टॉप में, है ना? और रीडर चेहरे पे मुस्कुराहट देखो इसके, उरई गांव का रीडर, उरई शहर है ना? हाँ, शहर तो उरई ही है। उरई है, अपने अपने शहर पे गर्व कीजिए भाई साहब, हैं? तभी तो शहर आप पे गर्व करेगा। गुड, देखते रहिए दी लल्लन टॉप, जिंदगी सा अच्छा सच्चा और कच्चा। शुक्रिया।